Champions. बेटा तुम मैं शो के बाद अलिफ बे पे का टास्क दे दिया, वो भी उल्टी पढ़नी थी। चलो वो तो हो जाता, कोई मुश्किल नहीं था, आराम आराम से मैं कर लेती। अबिया ने मुझे कर दिया चैलेंज, मुझे समझ नहीं आया अबिया ने मुझे देख के क्या चैलेंज किया। अपने लेवल वालों को चैलेंज करो। अब जब मैंने अबिया को देखा क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया था, तो मैं वहीं स्टक हो गई। ये इसने पहना हुआ क्या है, क्या ड्रेसिंग सेंस थी उस बंदी की भाई। मतलब डार्क पिंक कलर की मैक्सी, मैं किसी की शादी में भी ऐसे कपड़े ना पहन के जाऊँ। ऊपर से इतनी ब्राइट लिपस्टिक, और यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ज़रा से हंस जाओ तो वकार जगह बैंड बजाते थे सबकी सामने, और मुझे हंसी आ रही थी उसको देख के कि यार ये क्या नमूना कार्टून बन के है, और इसने राबेल शेख को चैलेंज कर दिया है। और वो अलिफ बे सीधी भी अगर पढ़नी होती ना, मैं वो भी गलत पढ़ देती, तो ये तो फिर उल्टी थी। उसकी हालत देख के उल्टी सीधी सब गायब हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे हंसी आ रही थी, हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में मुझसे वो टास्क ही नहीं हुआ। When I entered bowl house, it was unexpected what I see. पता है क्या, हमें बताया गया था कि बेड्स जो हैं वो छोटे हैं, जिसकी वजह से हमारा चैलेंज भी करवा दिया, पर जो हमने देखा वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। शुक्र है चैलेंजेस पूरे हुए, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, लड़की की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मतलब एक लड़की अगर दूसरी लड़की के साथ होती है ना, तो उसको पता चल जाता है कि वो अगले बंदे को या बंदियों किस नज़र से देख रही है। तो तीन लड़कियां ऐसी हैं जो वकार को देख के बिल्कुल पानी पानी हो जाती हैं। एक तो सिदरा है, वो भी इतनी ओवर हो जाती है। दूसरी अबिया है, वो भी अब कभी बाल यूं कर रही है, कभी यूं कर रही है। तीसरी मारिया है, वो तो इतनी ओवर है, कभी अपने बाल पूरे यूं कर रही है, कभी यहाँ से यूं गिरा रही है, कभी क्या कर रही है। मतलब ठीक है वकार का होस्ट है, अच्छे होस्ट हैं, लेकिन आप कम से कम ये तो देखें कि आपको कैमरा देख रहा है, आप जहाँ जा रही हैं एक एक चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आपकी सारी चीज़ें नोटिस हो रही हैं, आप ये चीज़ों तो देखें आप। तो भाई जो मेरा पहला टास्क था वो तो मोहम्मद याया के साथ था। मोहम्मद याया का भाई जो हाथ है वो यूं है, यूं हो के यूं हो ये मेरा मसला नहीं है। मैंने उसको हरा के बैड हासिल कर लिया, ठीक है। अब हम गए बोल हाउस में, तो मैं ये सोच नहीं रहा था कि बोल वाले इतना खर्चा करेंगे, लेकिन जब मैं अंदर पूछा तो मैं तो देख के हैरान हो गया। ओ माय गॉड, इतना खर्चा, मतलब बोल वाले तो कभी हल्के आते ही नहीं है ना भाई। तो भाई मैं अंदर गया, जैसे मेरा पहला पैर अंदर गया तो मैं तो देख के हैरान हो गया। इतनी बड़ी जकूसी, पूल, फिर जिमिंग सेशन, फिर गेमिंग सेशन। अच्छा मैं सोच रहा था कि लोग थे 15 और 8 बेड थे। आपके भाई को मिल गया था बेड। मैंने सोचा भाई यहाँ लड़कियां ज्यादा हैं और कोई ना कोई लड़की तो मेरे पास आएगी बोलने के लिए कि मुझे बेड शेयरिंग करो। मैंने सोच लिया था कि भाई मैं किसको ऑफर करूंगा। आसमान लगने लगा हाईवे मेरे यार, बादल ये दिखने लगे रे सरकार। चल रहा हूँ उड़ रहा हूँ आए समझना, गालों पे प्यार से तू पुंच कर ना मदर। मैं हूँ बस नहीं तो सरकार, मस्ती मस्त है जबरदस्त है, हर कोई देखो चिल्ला रहा। बोल 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 हाउस, बोल 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 तो बोल हाउस। वाओ वाओ यार, बोल होना चाहिए ना। जब हम बोल हाउस की तरफ जा रहे थे, जैकूजी के पास खड़े हुए थे, वहां से गुजर रहे थे क्योंकि वहां से थोड़ा टाइम लग रहा था गुजरते हुए, तो मुझे सबकी आवाजें आ रही थी क्योंकि वकार जका ने एक बात बोल दी थी कि इनमें से एक बंदा मेरा है। सबको डाउट मुझ पे होने लगा। डाउट होने की रीजन क्या थी, इन लोगों को इतना दिमाग चलता है कि रीजन ये थी कि उन्होंने मेरी और वकार जका की एक सेल्फी देख ली थी। 10 साल से मैं वकार जका का शो देख रही हूँ, 10 साल से मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ ना, ठीक है। और मैं आई एम अ मीडिया पर्सन, वो भी एक मीडिया पर्सन है। वकार जका को कौन नहीं जानता, कौन वकार जका को देख के उसके साथ पिक्चर नहीं लेगा और अपलोड नहीं करेगा।
एक ही पिक्चर थी, ठीक है, अगर मेरा और वकार जका का कोई भी पहले कोई दोस्ती होती कुछ भी होता तो और पिक्चर्स भी होती ना, और मैं क्यों पिक्चर नहीं लगाऊंगी यार, उस बंदे को कौन नहीं जानता, और मैं उसकी बचपन से फैन हूँ, मैं इस वजह से इस शो में आई हूँ। और चलो अगर वकार जका मेरा इतना अगर सगा था तो मुझे इतना बड़ा एनाकोंडा उसने मुंह में रखने के लिए क्यों दे दिया भाई, तुम लोगों को मिर्चे खिलवा दी और मेरे टाइम पे इतना बड़ा एनाकोंडा दे दिया, सिर्फ एक पिक्चर से आप लोगों ने ये जज कर लिया। आप लोग भी, ये तो सारे कॉन्टेस्टेंट्स किसी काम के है ही नहीं ना, ठीक है, इनका तो दिमाग चलता ही नहीं है। और आप लोग जो लोग कमेंट्स पे पिक्चर्स डाल रहे थे, अच्छा वकार जका की और आप वीडियोस देखते हैं, बिटकॉइन के बारे में डाल रहा है, इतनी चीजें डाल रहा है, उस पर कोई रिसर्च नहीं करेगा। ये मेरे प्रॉपर लोग आईडी में गए, उन्होंने मेरे स्क्रीनशॉट्स लिए और जी पिक्चर नीचे लगा दी। अब एक जज है, अगर उसके पास मैं जाऊंगी उसकी तस्वीर खिंचवा लूंगी तो वो मेरी फेवर में तो नहीं दे देगा ना कि भाई आप केस जीत गई हैं। मुझे तो बकायदा इतना बड़ा पूरे पाकिस्तान ने देखा, इतना बड़ा एनाकोंडा मैंने मुंह में रखा, सबसे मुश्किल डेयर वकार जका ने फिर मुझे क्यों दिया, सबके सामने डेयर हुआ ना मैंने मुंह में रखा। तो ये चीज आप लोग भी ना सोचें, जाएं कोई और काम करें, किसी अच्छी चीज पे रिसर्च करें, फजूल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये वही बात है कि एक 99% जो लोग होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं और 1% होते हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप लोग फॉलोअर्स ना बने उसमें। वकार जका को भी लोग फॉलो करते हैं और मैं भी, मुझे भी लोग फॉलो करते हैं, आप कहीं पर भी जाके देख ले मैं किसी को फॉलो नहीं करती, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब बात वकार जका की और दूसरी बात राबेल शेख की है, तो लोगों ने मजाक बनाना है, लोगों ने ये चीज करनी है, कॉन्ट्रोवर्सी तो क्रिएट करनी है ना, क्योंकि एक तरफ सुपरस्टार वकार जका और एक तरफ मैं हूँ, मेरा भी नाम है, सब लोग जानते हैं, तो लोगों को तो कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, खासतौर पर बच्चे जो आए हुए किसी काम के नहीं है, ये कराची से बाहर नहीं निकले, आई एम अ मीडिया पर्सन, हम लोग आगे पीछे मिलते रहते। मेरी सिर्फ वकार जका के साथ पिक्चर नहीं है, मेरी और भी बहुत ज्यादा स्टार्स हैं उनके साथ पिक्चर्स है, उस चीज पे तो कभी किसी ने कंट्रोवर्सी नहीं बनाई, इस चीज पे क्यों बना दिया। मुझे पता भी नहीं था कि आगे इसका शो आएगा, अब मैं शो में आई तो लोगों ने बोल दिया जी वो भी एक कोई एक साल पुरानी पिक्चर उस पे ये लोग बना रहे हैं। उस टाइम तो मैं मीडिया में इतनी इन भी नहीं थी, डेफिनेटली मैं शुरू शुरू में मेरा काम स्टार्ट हुआ मैं गई, मुझे नजर आया, बचपन से एक बंदे की फैन थी। आप लोग किसी के फैन होते हैं आप लोग जाके उसके साथ पिक्चर्स नहीं लेते, आप लोग नहीं लगाएंगे पिक्चर्स, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये मीडिया यहाँ पर लोग कवर करके रखते हैं, ऐसी चीजों को सामने नहीं लेके आते, जो नहीं होता है वही लोगों को दिखा। जब मैंने जब थोड़ा सा बाहर से देखा तो मुझे लगा कि कुछ जंगल टाइप अंदर बना हुआ है, जब मैं अंदर गई ओ माय गॉड, मैं घर को देख के इतना शॉक्ड हुई कि मतलब हमें इतना अच्छा घर मिला है। और मैं अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने अंदर देखा कि क्या क्या चीजें किस तरफ है, और मैंने देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि मुझे अभी यहाँ पे एक महीना रहना है और आगे क्या क्या होने वाला है, इतनी अच्छी चीजों को देख कर बहुत जबरदस्त लगा मुझे। भाई मैं जिस उम्र में हूँ उसे को तो कहते हैं बाली उम्र, जहाँ पे चीजें एक्सप्लोर करने का बड़ा ही दिल जाता है। मैंने अपने बाबा से कहा बाबा मैं वकार के शो में चली जाऊँ, बाबा ने कहा जाओ, मैंने कहा हैं, जिस शो का नाम सुन के बाबा मुझे टीवी बंद करवा दिया करते, उन्होंने कहा जाओ। बस फिर मेरे दिल में जो हलचल मची, मैंने कहा बाबा तुसी ग्रेट हो, बाबा का सीन ये था, जा अभी जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर उसके बाद मैं उड़ती उड़ती वकार के शो में आ गई। बाबा इतने दाढ़ी वडी गाल दिया थे जित छोकरू अचन लगी, छोकरू अचन लगी मां दिसन लगम, एडी प्यारी प्यारी छोकरू दिसी मां हैरान थी, मां जा हल भला ये भी छोकरू है, हल भला आएं तो भला दिसी वठंदा थे, ऐ वरी जदे खबर पई तो बाबा गडे रहंदो, मां जे बाबा हे तो वडा मजा दिया, असां सिंध में छोकरी ज़ाहिर रहे दीदी, इते वरी नकाबन में भी ज़ाहिर, इते रही ड्रेसिंग करे अचन, इयां दिस त अमेरिका लगो पियो आहे इते ॿाहिरि मुल्क में घुमऊं पिया, वरी बेड भी गॾु ख़बर ई न इन सही सही करोड़ रुपियो न मां सम्झा थो, मां 2-3 करोड़ ॾेई छॾिया हिन में अचण लाइ। भई यहाँ बारी थी बैट की, बैट तो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने दिल में अफसोस किया कि यार बैट तो मुझे मिला नहीं है, अब मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही वकार भाई ने ये जुमला बोला कि यहाँ है एक ट्विस्ट, बैट में है आप सबकी सरप्राइज, मेरे दिल में घंटी बजी और मैंने कहा यार अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे बैट नहीं मिला। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो मैंने घर देखा, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा था, मैंने चारों जगह निगाहें दौड़ाई और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, वो जैसी नन्नी मुन्नी प्यारी सी जान कहीं पे भी एडजस्ट हो ही जाएगी। When I entered the bowl house,
I was very focused on my game because I came here to win the game. I was focused on the task given by Vakar, the situations given by Vakar in the house. But there arrived a problem when I saw this girl, the pretty girl, Maria. I lost my all concentration and I was more focused on Maria rather than game. I didn't want to, but somehow I did. जितनी भी लड़कियां घर में मौजूद थी उसमें आई लाइक मारिया द मोस्ट बिकॉज शी इज़ द गर्ल जो मेरे टाइप की है. मैंने चाहा कि मैं बात करूं बट हम लोगों ने माइक वेयर किए हुए थे, 24/7 कैमराज देख रहे थे, मुझे नहीं चाहिए थी वो चीज़. तुम सबसे मिलते ही जो सबसे ज़्यादा जहर लड़की लग रही थी ना मुझे, वो थी तूबा. उसका ऑडिशन मैंने देखा था. ये क्या होता है भाई, कमाल लॉन्डी. नहीं, व्हाट इज दिस, कमाल लॉन्डी क्या होता है? मतलब हम भी बोल सकते हैं इस तरह, तो हम लॉन्डे हैं. नहीं भाई, ये कुछ नहीं होता. मतलब इतनी ज़्यादा अटेंशन सीक करना, इतनी लेवल ही मतलब अलग था उसका अटेंशन सीकिंग का. तो पहले दिन ही मुझे वो बहुत जहर लगी थी. और लड़कों में जो सबसे ज़्यादा वना भी लगा ना मुझे, वो था आमिर. तो ऑडिशन से ही मुझे इतना बकवास लगता था ना भाई. ये क्या होता है, DHA की लड़कियाँ पसंद है, मलीर की नहीं पसंद. नहीं मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता. DHA की लड़कियों में ऐसा क्या जो मलीर की लड़कियों में नहीं है? मतलब ड्रेसिंग भी वही होती है. अगर वहाँ कुछ ज़्यादा लिबरल लड़कियाँ हैं तो यहाँ भी होती हैं. कौन सी गाड़ी है जो डिफेंस में होती है मलीर में नहीं होती? कौन से इतने बड़े घर हैं जो डिफेंस में होते हैं मलीर में नहीं होते? ऐसा क्या होता है डिफेंस की लड़कियों में भाई जो मलीर की लड़कियों में नहीं है? मतलब हम तो देखें ऐसे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मलीर की हूँ, डिफेंस की हूँ, कोई लड़का मलीर के बारे में बोल रहा है, डिफेंस के बारे में बोल रहा है. पर कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को अपने ऊपर ले लें तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि हम जो है निचले दर्जे के हैं. जो लड़के कह रहे हैं कि DHA की लड़कियाँ, मलीर की लड़कियाँ, लेकिन मुझे तो उस चीज़ से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, जहर ज़रूर लगा था मुझे इस बात से. वो मतलब इतना, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप. उसके बाद आप एक शो में आना चाह रहे हो. इस शो में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपको पसंद खाली DHA की लड़कियाँ. मतलब कि इतना वाना भी मुझे ऑडिशन से वो लगा था और वो बोल हाउस में भी उतना ही वाना भी था. उससे ज़्यादा जहर लग रहा था मुझे. और जब हम खड़े हुए थे, जब बेड्स के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो मैंने तो सोच लिया था भाई इसी को चैलेंज करूंगी, चाहे जीतूं या हारूं, लेकिन इसका ये भरम तो तोड़ना है कि DHA की लड़कियां अच्छी होती हैं. और गई, चैलेंज किया, इसको नीचे गिराया और बताया. जैसे ही हम लोग बोल हाउस में एंटर हुए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और बड़ा डरे हुए थे क्योंकि वकार ने ऑलरेडी डरा दिया था कि बेड पे पता नहीं क्या होगा. लेकिन जब एंटर हुए तो माय आईज पॉप आउट और सारे शॉक्ड हो गए. सब ने हूटिंग स्टार्ट कर दी. एक बड़ा अच्छा सा माहौल क्रिएट हो गया क्योंकि इतने अच्छे बेड, इतना लेविश रूम बना हुआ था सबका, जो हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं डर हार चुकी थी, मेरे पास बेड नहीं था. और इतना तैयार होने के बाद, मैं तैयार होके आई थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं ज़मीन पे सोऊं. और सारे कंटेस्टेंट्स में से सबसे अच्छी मैं ही लग रही थी और उन सब के सामने मेरी ईगो हर्ट हो रही थी कि मुझे ज़मीन पे सोना पड़ेगा. कुछ यूं है कि बहुत मज़ा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत आला बनाया भाई सेट. जो बात घर के अंदर, एक तो घुसते ही मेरे को पहले लगी यार ये लड़की थोड़ी सही है, लेकिन जब उसको देखा बगैर मेकअप के, एक तो इतनी बड़ी फावड़े जैसी उसकी नाक, सही है, अंदर से लड़का ही बाहर आ गया. बोला भाई ये क्या, एक तो कटिंग उसकी अजीब सी, सही है, मर्दाना टाइप, सही है, और एक अपनी ये जो दानियाल है, दानिया लड़की, वो भी अच्छी है. उससे भी ज़रा अपनी हो गई है बातचीत वगैरह हो गई है, आमिर से ज़रा अपनी संगत यारी हो गई है. और रियान मुझे थोड़ा सा है ना डिप्लोमेटिक लग रहा है, वो अपने आप को साबित करने के लिए ना डेमोक्रेसी थोड़ी दिखा रहा है. लड़का वो भी सही है, सारे लगभग सही हैं, लेकिन यार स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं कि यहाँ पे जाके थोड़ी सी डेमोक्रेसी दिखा दी, वहाँ सियासत दिखा दी, इधर से उधर. रेहान वो वाहिद बंदा है जो इस वक्त मुझे डिसेंट लग रहा है. मतलब बाकी सारे तो भाई कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी को लड़के पसंद आ रहे हैं, किसी को आंटियाँ पसंद आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा. एक वाहिद लड़का जो बहुत तमीज़ से बात कर रहा है. खैर अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है बोला उसमें, आगे देखते हैं. देखें भाई, मेरा बड़ा एक मसला है, मुझे कोई ज़्यादा घूर घूर कर देखता है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है.
बॉल हाउस घुसने के बाद मैं बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन वहाँ एक लड़की थी जो मुझे बड़ी घुरियाँ मार रही थी, और वो थी तूबा। मैंने उसको जाके बोला, भाई जो डेयर था वो वकार जका ने दिया था, तुम इतनी पिद्दी सी हो, तुम्हें मैंने वहाँ जाके गिराया। मैंने उसको अपोलोजाइज भी किया कि भाई तुमसे मैंने हल्का हाथ रखा, अगर कोई लड़का होता है उस तो मैं तो उसको भी उठा उठा के पटख देती हूँ। मैंने उसको बोला, आइंदा तुमने मुझे अगर ऐसी नज़रों से देखा ना तो तुम्हें मैं यहीं फर्श पे पटखूंगी। अब जो पर्ची पर्ची हो रही है, जो मुझ पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो आपको अब मैं बताती हूँ कि पर्ची होती क्या है, क्योंकि आप लोगों का तो दिमाग काम नहीं कर रहा। आप लोगों को तो एक पिक्चर दिखा दी कि दाबेल की और वकार जका की पिक्चर है, तो जी आप लोगों ने मान लिया कि ये तो पर्ची है। अब मैं आपको बताती हूँ पर्ची है कौन। वकार ने दो बंदों को इंटर करवाया, सिद्रा और मारिया, जिन्होंने सिर्फ वीडियो बना के भेजी। सिद्रा ने अपनी ठीक है और अपनी वीडियो बना के भेज दी, और वकार साहब ने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो फिर ये तो हमें भी बता देते ठीक है। और दूसरी मारिया, चलो उसकी वीडियो कुछ कुछ हद तक बेहतर थी जिम में उसने एफर्ट की, लेकिन देर के लिए तो नहीं आया ना। और बलाज ने उधर खड़े होकर एक बात की थी कि जब मैं क्वेटा से आ सकता हूँ तो तुम लोग तो फिर कराची से, तुम लोग क्यों नहीं आए, मेरी अपनी फ्लाइट थी मैंने मिस की। तो पर्ची कौन है? अगर वकार की मैं पर्ची होती हूँ तो वकार साहब मुझे जाने देते, मेरा शूट था भाई, मुझे मेरे मुंह में इतना बड़ा सांप क्यों डलवा दिया। अब जी जब हम अंदर गए बोल हाउस में, तो सिद्रा मैडम तो सब पे हुक्म, ये करो वो करो, क्यों भाई तुम्हारे नौकर लगे हैं। ठीक है पता है तुम वकार जगह की पर्ची से आई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही आ गए, हम डेयर करके आए। और मेरा मुझे जब उसने बोला, मैंने कहा मैं तो घुमा के मुंह के नीचे ऐसा मारूंगी ना कि तू दो मिनट में यहां से बाहर होगी। ठीक है पर्चियों पे तुम आए हो, हम डेयर करके अंदर आए और हम लिहाज नहीं करेंगे किसी का भी। और सिद्रा जो उधर खड़ी होके गाना गा रही थी अपनी बेटी के लिए, सिंपथी गेन, सिंपथी का अवार्ड, एक तो पर्ची से आ गई, अब आगे पर्ची तो वकार साहब चला नहीं सकते उसकी, क्योंकि आगे तो डेयर होना था। तो अब सिद्रा जी सिंपथी के लिए, मेरी बेटी है, बेटी का बाप कौन है ये तो बताओ ना, बेटी आई कहाँ से, शादी हुई भी उसकी? लोगों को बता रही कि मैं डाइवोर्स हूँ, कौन सी शादी, ये होती है पर्चियां। लेकिन आप लोग बेवकूफ, एक तस्वीर देखे जी, और दूसरी मारिया जो वकार जगह की तस्वीर को देख के बार बार बोल रही थी कितना हॉट है ना ये, कितना प्यारा है ना वकार, आज कितना प्यारा लग रहा था, वकार के बाल कितने अच्छे लग रहे थे। तुम यहाँ डेयर करने आई हो या अपना बना आंखें ठंडी करने आई हो? इन लोगों को तो किसी को नजर नहीं आ रहा, और आप लोग जी मेरे ऊपर नाम लगा रहे, मेरे करेक्टर पे उंगलियां उठा रहे। अगर मेरे कपड़े रिप्ड हैं या मेरे कपड़े थोड़े से, क्योंकि मैं मॉडल हूँ भाई, मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ऑर्डिनरी गर्ल, मुझे अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। ये लोग क्या है, एक किसी की करने के लिए बैठी हुई है, एक की बेटी है पता नहीं कहाँ से आई हुई है, एक वकार जगह को लाइनें करवा रही है सामने सामने। तो ये शो जो है, क्योंकि वकार ने बोला था ये सिर्फ डेयरिंग शो नहीं है, हर चीज पे है, क्योंकि मैंने शो पे बोल दिया कि मेरा एक एंगेजमेंट थी और मेरा एक जो है दूसरा मेरी किसी से शादी होने वाली है, तो उस पर बोल रहे दो बॉयफ्रेंड नहीं थे, एक से मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, एक से मेरा रिश्ता हुआ है, इस चीज पे उंगलियां उठा रही है। तुम लोगों की बच्चियां कहाँ से आ गई, पर्चियां तो तुम लोगों, नाम मुझ पर लगा रहे हो। यार अच्छा है यार, बहुत प्यारा है यार, सारों को बैठने मैं चाह रही थी मैं जल्दी से सो जाऊं, लेकिन मारिया इतनी बंदी है, इतनी है मुझसे बार बार पूछ रही है इनमें से वकार का बेड कौन सा वाला है, कौन सा वाला है। मैंने कहा वकार यहाँ क्यों सोएगा? कहते नहीं वकार यहाँ सोएगा, उसने कहा था कि मेरा बोल हाउस है। मैंने कहा उसका बोल हाउस का मतलब ये नहीं है यहाँ सोएगा। कहते यार मुझे तो यही लगा, मैं तो इसलिए यहाँ पर आई थी कि वकार भी यहाँ होगा तो हम साथ। मैंने कहा तुम कितनी भाई, लड़कियाँ ज़्यादा बोले ना तो अच्छी भी लगती हैं बोलते हुए, लेकिन लड़के खामोश तबीयत अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा बोलते हैं ना तो वो बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे मिस्टर इरिटेटिंग थे बिलाल भाई, उस बंदे ने एक कैमरा नहीं छोड़ा होगा, तकरीबन कोई बोला उसमें 50-60 कैमरे लगे हुए हैं, और हर एक कैमरे में गया है वो आदमी, हर एक कैमरे में जाके ना उसने अपना बड़ा सा बूथा फिट करने की कोशिश की है, और हर एक कैमरे में जाके उसने बकवास की है। एक जगह तो मैं खड़ी हुई थी, मुझे कहता बैंजर ऑटो मुझे कैमरे में बात करनी है। तीन दिन को बेड पे सोने को मिलेगा, उसमें से मैं एक भी एक हूँ, और बाकी जो 7 या 8 है उसमें जो 7 से 8 है वो जमीन पे सोएंगे, कितना मजा आएगा। तो भाई मुझे परेशानी से फील हो रही थी कि बेड के अंदर कोई ना कोई उल्टी फुलटी चीज तो जरूर रखी होगी, इतनी आसानी से वकार में सोने दे नहीं सकते।
तो मैं वही देख देख के परेशान हो रहा था कि मैं इस पे बैठूं लेटूं क्या करूं, मतलब अंदर से कोई चीज़ ना आ जाए सोते वक्त, और मेरी तो हालत वही ख़राब हो गई थी फुल। भाई भाई देखिए, मुझे तो शायस्ताना अंदाज़ और लहजे बड़े ही पसंद हैं। जब मैं घर के अंदर घुसी तो मैंने सुना माँ बहन बेटी भाई ऐसी वैसी उई हुई, कानों से धुएं निकल गए, न जाने कहाँ कहाँ से धुएं निकल गए। फिर मेरी नज़र पड़ी सिर्फ एक ही लड़की पे, जिसे देख के मेरा दिल और मेरी आंखें दोनों मिली, और उसका नाम था मारिया। मौजिज सामईन और नाजरीन, जब आप कहीं जाते हैं तो पहले आपका तारुफ होता है जी, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मुझे अभी घर के अंदर घुसे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि मैंने तारुफ कुछ यूं सुना, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बहन की, तेरी माँ की, फिर तेरी माँ की, फिर तेरी बहन की। और ये जो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी वो थी रबाइशा, दानिया और राबेल की। मोबाइल फ़ोन हमसे ले लिए थे, लड़कियाँ बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही थी कि रात को तो मोबाइल मिलेगा, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि भाई मोबाइल से तो जान छूटी, 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से आज़ादी, हर चीज़ से आज़ादी हो गई, और मैंने कहा अब तो भाई हर काम करने का फ्री टाइम मिल जाएगा। भाई आप सबको तो पता होगा मैं सियाल फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ लाड़काना से, और पता है सबको लाड़काना में कितने सियाल फैमिली कितना होल्ड रखती है, और सबको पता है यार अल्लाह का दिया हुआ शुक्र है, सब कुछ है, नौकर है, हर चीज़ है, लेकिन वकार भाई ने कहा इतने खाधो तांगे पान तैयार करणो, अरे माँ जब माँ होता सोफे माँ उठी कप न खणंदो आया, माँ इतने किए खणंदो नौकर चाकरन के अलावा, मुख्य नौकर करे रहा है तो चे तो बाबा तू नौकर थी रहे थे, अरे माँ जा घोड़ा अरे इतने माँ रहो ना यार जिंदगी माँ किए गुजारी नो पो जब छोकरी एडू भली हुई एक बिन छोकरी जे कुर्बान थी माँ जब बलायदन जले रही पौधो मिन के ॾिसंदुमि भी सही न जो थोड़ो दीदार भी थी पौधो थोड़ो घणो मज़ो भी ईंदो शो में। बाबा अंदर जड़े मैं वयम तो खबर पी एडा कैमरा माँ जहाँ इतने बड़ा सीआईडी टीम थी कम करे या छाती करे टीम का वर्क, वो जो डिठम हेडा डिठम कैमरा होडा डिठम कैमरो हर तरफ कैमरो ही कैमरो, पो वनम मां जाए दोस्त यार तो वडा आला है ना वनी दिसा तो बाथरूम में इतना है सुबान ते पछरी थी ब लाकाड़ा में बेसी थी ने मोडे कारण काबिल न रहा, इनी जले वनी वॉशरूम सडो चेक कयो हेठा मथा कमोड बमोड सब चेक किया, पो वनी थोड़ी दिलजाई थी यार कमोड में ना है अंदर वरी कपड़ा मटाए तो सका। अबे ये माइक चेंज कर रहा है, आवाज थोड़ी जाएगी जाएगी भाई क्या हो गया माइक इधर लटका दे, जगह बहुत है दिल में यार, हम नहीं खेल ले हम नहीं खेल ले हमसे नहीं हो पा हमसे नहीं हो पाए, अबे इधर तो कैमरा इतने नहीं खेल भाई हमसे ना हो पाएगा ये। भाई देखिए सबको इंतज़ार था कि सोएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ, सिगरेट कहाँ स्मोक करेंगे, वॉशरूम कहाँ होगा, लेकिन जो मैं सोच रहा था कि लड़कियाँ कपड़े कहाँ चेंज करेंगी, फिर मैंने सोचा यार ये लड़कियाँ कपड़े कहाँ चेंज करेंगी, वहाँ भी तो कैमरा नहीं लगे होंगे, लेकिन वो हमारे सामने ही स्टार्ट हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ आ गया हूँ मैं, बोल आउट है या क्या है, कौन सा किसका वॉशरूम है, ये जेंट्स है उतार दो यार, ये तो दरवाजे ही बंद हो रहा, कपड़े कहाँ चेंज करूं, अंदर ही करो, अंदर कौन करते हैं कपड़े चेंज, यार दरवाजा तो बंद, यार ये तो गलत बात है, भाई देखें आज मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ काफी इंटरेस्टिंग थी, वो ये कि एक बाथरूम में दो दो लड़कियां जा रही हैं, मतलब यार हम लड़कों को शर्म आ जाए कि हम लड़के एक दूसरे को नहीं देख सकते,
और ये बार बार जा रही है। मुझे शक था कि कोई बोल जी का मेंबर इनको साइड में दे जाए कि बता रहा है कि कौन कौन से टास्क हैं ताकि ये जीत जाए जीत जाए और हम हार जाएं। लेकिन यहाँ तो चक्कर ही कुछ और था। चूबा जा रही है हर पाँच मिनट में, फिर जा रही है सिद्धरा। मैंने बोला भाई ये दोनों को क्या मोशन वोशन लगे हुए, जुलाब उलाब लगे हुए। फिर पता चला भाई अंदर तो सूटे चल रहे, सूटे और इतने सूटे, दो दो तीन तीन बेके ख़त्म हो गए के। मैंने बोला भाई शो के बाद तो आने वाले मज़े वो है डॉक्टरों के, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाएंगी और डॉक्टर उनसे फुल लेगा मज़े जो इस शो में हो रहा है। तो भाई इतने सूटे। मारिया इज बिट डिप्लोमेटिक एंड शी इज़ लाइक, वो समझती हैं जैसे उन्होंने बताया भी है कि वो समझती हैं कि वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है और वो मुझे पसंद नहीं। कशफ की जो आवाज़ है, या ना तो वो अपने लहजे पे कंट्रोल करती हैं, ना ही अब उनके टोन पर उनको पता है कि उनको कहाँ किस तरह किससे बात करनी है, तो वो काफ़ी अनोइंग है और वो समझाने पे भी समझ नहीं रही उस बात को। तो हो सकता है कि हमारे लिए बाद में जाके इन चीज़ों पे मुद्दा बने कि हम लोगों की ना बने आपस में। अब बात करते हैं तूबा की, जिसको देख के मुझे आ रही थी बड़ी खार, मगर जब मैंने उससे बात की तो मुझे उस पर आया प्यार, क्योंकि फिर बंदी के कपड़ों में टेक्निकली प्रॉब्लम थी मगर थी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन। If I talk about myself, then I'm an introvert. और अगर आप introvert हो तो आप तो relate कर सकते हो कि कितना मुश्किल होता है लोगों में बात करना और इस तरह बैठना। वहाँ पे जाके अगर मैं बात ही कर लूँ ना लोगों से, वही मेरी सबसे बड़ी बात है। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, बात मैं लोगों से कम करती हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर लोगों को लगता है मुझमें बहुत ईगो है। मुझे मुझे मेरा बैग दे दें प्लीज। सही लड़की सही जा रही हो। और मैंने अंदर आते ही देख रहा था कि अलमारियाँ कितनी, अलमारियाँ थी 8। अंदर तो मैं इनके साथ गई, चीखो पुकार की हर चीज़, तफरियाँ अंदर लगे हुए, ये लोग तफरियों में एक दूसरे से सेटिंगें कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। बेड तो वही मुझे मिल गया था पहले, बेड की तो टेंशन थी नहीं। मैं बाहर गई अपना सामान क्योंकि सेट करना था, अलमारी रही एक, सारा सामान मैंने कर दिया सेट ताकि मुझे हो ही नहीं कोई तकलीफ। और फिर ये लोग आए और लड़ रहे थे कि मुझे अलमारी क्यों नहीं मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। भाई पहले आना था ना, अपनी सेटिंगें छोड़ के पहले ये देख लेते कि कपड़े भी सेट करने हैं। भाई देखें, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लड़कियों के कपड़े के ऊपर, जो लड़कियाँ कपड़े पहन के आ रही हैं, उफ अल्लाह माफ़ करे, सब दिख रहा है भाई। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ लड़कियों को कपड़े पहनने का कोई शौक ही नहीं है, मतलब ऐसे ही दिखाओ, समझ चुके होंगे आप है ना। सॉरी, लेकिन एक लड़की मुझे लगी शरीफ, लेकिन वो भी रू अफजा यार, स्पोर्टी ड्रेस पहन किया हो ताकि आपका कोई मतलब ऐसा वो ड्रेस था ना कि बता नहीं सकता, इतना चोला था, लुंगी थी, पता नहीं क्या था, इतना भरा हुआ लगता है कि शादी से उठ के आगे जा रहे। आज मैं तमाम लड़कियों को एक सबक आमूल बात बताने वाली हूँ कि जब भी आप कोई खूबसूरत लड़का देखें तो उसके ऊपर फौरन ही फिदा मत हो जाएं, पहले उससे बात करें, उसे जाने, उसे पहचाने। कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ जब मेरी एंट्री हुई है बोल हाउस के अंदर और मेरी नज़र पड़ी है एक लड़के पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बलाज की, जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी थी। मैंने कहा यार लड़का अच्छा है, इससे बात करनी चाहिए, मगर मुझे क्या पता था कि जब लड़के से बात करूँगी तो भाई ये तो बात ही कुछ और हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि जब आप देखेंगे तो उसे जाके सर्च ज़रूर करेंगे, मगर मेरी तरह अगर आपकी भी चीखें ना निकल गई ना तो बस। अब लड़के भी हमारे साथ थे, मुझे लड़कों को भी देखना था। तो पहले तो जब मैं आई तो बिलाज साहब ने जो हरकत कर दी कि मेरा नाम ले दिया कि ये वकार जगह की बंदी है, फजूर में चीप पब्लिसिटी स्टंट्स मार के बेबी आप आगे नहीं जा सकते, पठान हो, अपने आप में फजूल का एटीट्यूड, प्यारे हो, हमारे साथ 10 मॉडल इससे भी अच्छे काम करते हैं, ठीक है, हमने उनको मुँह नहीं लगाया तो मैं आपको क्या मुँह लगाऊँगी। यार कोई नहीं सो पाएगा और सुबह कोई भी फ्रेश नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए ड्रामा कर रही है कि जब ये यहाँ से हार के जाए तो जाके बोले कि भाई मैं तो शो में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। और मैं ये गारंटी से कह रही हूँ कि जब जब वकार इससे पूछेगा कि तुमने घर जाना है तो बोलेगी नहीं, और जब जब घर में आएगी बोल हाउस में आएगी बोलेगी
मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस गेम में। ये आप खुद ही सोचें कि ये बेवकूफ़ी का इतना बड़ा लेवल है कि इवन आप एक शो में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप आके बैठे हुए, तो मैं तो बोलती हूँ ये बंदी बहुत बड़ी हिपोक्रेट है। उस टाइम पे तो मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो वैसे तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जब मैंने इधर उधर देखा तो वो बिल्कुल प्राइवेसी नहीं थी। हम 16 कंटेस्टेंट थे और सब साथ बैठे हुए थे। मैंने सोचा मैं भी बात कर लेती हूँ लोगों से, पर मुझे वो फील नहीं आ रही थी कि नहीं, आई वाज कंफ्यूज एट द मोमेंट कि मैं बात करूँ किसी से या नहीं करूँ। सब बहुत अच्छे हैं, अभी तो आगे चल के पता चलेगा। आए जी मैं आपको बताऊँ एक बहुत ही ओवर कूल लड़की के बारे में, वो है मारिया। जब वो आई तो उसने बोला कि भाई आई एम बेटर देन ऑल ऑफ़ यू। हमने बोला शायद कोई चीज़ है, फिर घर में आके उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। बोल रही है मुझे तो इस शो से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे आई हूँ कि भाई मुझे एक्टिंग के ऑफ़र आ जाए। मैंने उसको बोला भाई तुम्हें इतना ही शौक है तो जाओ बोल के दूसरे शोज़ हैं, पाकिस्तान स्टार्स हैं, वहाँ जाके अप्लाई करो। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उन लड़कियों में से एक है जो जाके पोस्ट कर रही होंगी आई डोंट लाइक वकार, आई डोंट लाइक चैम्पियंस, आई डोंट इवन लाइक बोल। और फिर यही वो लड़कियाँ हैं जो आने के लिए मर रही होती हैं, किसी तरीके से शो में चांस बन जाए, अपनी पर्चियाँ लगवा रही होती हैं। देखें भाई साइज प्लस तो मैं हूँ और कश्यप भी साइज प्लस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे साइज प्लस ही पसंद है, मुझे पसंद है कंट्रास्ट। और कश्यप जो है वो मुझे कंट्रास्ट नहीं लगती, और वो मुझे लाइनें करा रही होती हैं, मतलब बार बार बीच, मतलब कोई और बात हो रही है ऑडिशन की बात बीच में ला देंगी कि यार इसका ऑडिशन तो मैंने देखा था बिलाल क्यूटो का, और ये कर रहा था चमचों से, ये कर रहा था फलां क्यों कर रहा था, मतलब यार मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि यार मतलब क्या यार ये क्यों लाइनें करा रही, जब मैं इसको मुंह ही नहीं दे रहा, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा सीधे मुंह से, तो क्यों कर रही है, मतलब अजीब ही खुद ही लाइनें मार रही हो यार। उफ, ये बिलाल तो ना मुझे ऐसा है, बिलाल तो किसी का भी नहीं हो सकता। बिलाल तो अपनी बातें जो बिलाल करता है ना, वो बिलाल 2 मिनट में उसको ऐसे कर देता है, इतना फजूल बोलता है कि बस मैं क्या बताऊं। एक तो भाई अपन जैसे अंदर गए ना हाउस, एक तो लशपज बना हुआ मजा आ गया। सही है, पहले तो मैं समझ रहा था यहाँ पे थोड़ी सी ना बोरियत शोरियत होगी। सही है, कुछ लोग तो भाई अभी से थोड़ी सी डिप्लोमेसी वगैरह दिखा रहे हैं, अपन तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सही है, और संगत वंगत बन गई अभी अपनी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन एंड रिएक्शन। और बोल हाउस अब घुसने के बाद मैंने लड़कों को देखा, लड़के एक से बढ़ के एक, तूबा एटीट्यूड दिखा रही है, तूबा बात नहीं कर रही, तूबा ये कर रही है, अब तूबा जवाब तो दे रही है, और मैं क्या करूं? मैं उनके साथ जाके बैठूं, उनके साथ हंसी मजाक करूं? मुझसे ये सब नहीं होता, मैं क्यों करूंगी भाई? मैं एक बंदे को जब जानती नहीं हूँ, वो लोग चाह रहे थे मैं उनके साथ जाके घुस के बैठूं, वो लोग हाथ लगा रहे हैं तो मैं हाथ लगाने दूं? भाई मैं ये सब नहीं कर सकती, ना मैं ऐसी हूँ। मुझे तो मम्मा की बहुत याद आ रही है, हम लोग रोज रात में बैठ के बातें करते हैं, फिर मैं सोती हूँ। एक होते हैं ठरकी जो लड़कियों पर छेड़ते हैं, एक होते हैं मीठे जिनको पसंद होते हैं लड़के, और एक होते हैं आदमखोर, उनको चाहिए बस गोश्त चलनी चाहिए बस, बाकी लूली लंगड़ी भैंगी काणी कुछ भी हो उनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारे पास ऐसा बंदा है और वो है आमिर सियाल। मैंने तो कह दिया मेरे पास तो मतलब आना ही मत, तुम हर लड़की के पास जा रहा है, किसी को बोल रहा है बहन है आप मेरी, किसी को बोल रहा अब तो माँ जैसी है मेरी, लेकिन हाथ सब पे साफ कर रहा था। जुम्मा जुम्मा 8 दिन किया, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ था, और घंटे में एक ऐसा घंटा बजा कि आमिर सयाल साहब मेरे पास तशरीफ फरमा हो गए। मैं कपड़े चेंज कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं मेरे पास क्यों आया, अब डेफिनेटली शहद को मक्खियां तो चुभकती हैं, मुझे लगा शायद मुझसे मेरी बात करने आए। मुझे कहता है तुमसे एक बात करनी है, मुझे लगा शायद ये बोलेगा तुम अच्छी लगती हो ये वो, लेकिन उसने तो कुछ ऐसा उस बताया कि मैं खुद परेशान होगी। मुझे कहता है मुझे तो मारिया बहुत अच्छी लगती है, मैं क्या करूं भाई? मैं रिश्ते करवाने वाली माई हूँ, या मैंने काउंसलिंग सेंटर खोला हुआ है, या मैं तुम्हारा यहाँ मैसेज इधर उधर करवाने आई हूँ? वकार जगह ने ये नहीं बोला यहाँ शादियाँ करो रिश्ते बनाओ, उसने बोला यहाँ डेयर करो और आगे निकलो। मुझे कहते हैं मुझे मारिया बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा वो तो वकार को लाइक करती है, तो उस पर उसने बोला नहीं नहीं वो तो भाई बोलती है। अब ये भाई भाई जो सारे वकार को बोल रहे हैं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, मैंने एक जगह भी भाई नहीं बोला, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, भाई आपका अपना ही होता है, वही भाई होता है।
और डेफिनेटली अच्छा लगता है तो भाई तो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन हर चीज उस वे में अच्छी नहीं लगती। एज अ स्टार एक डेयरिंग बंदा आपको अच्छा लगता है, तो ये जो भाई भाई कर रही है ना, एक्चुअली दे नहीं था दिन में भाई भाई रात को एक, इतने बच्चे हम भी नहीं है, इससे ज्यादा दुनिया देखी हुई। ये वो है जो अपने इलाकों से बाहर नहीं गए हुए और उनकी हरकतें जी, वो जब देखते हैं वकार भाई और पीछे और जब कैमरा नहीं होता तो वकार तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वकार कितना हॉट है ना, वकार की तस्वीर के पीछे बैठे होते हैं सारे, देख रहे होते हैं वकार, इधर से भी देख रहा है वकार, उधर से भी देख रहा है। तो ये सिर्फ ये है क्योंकि उनको पता है कैमरे ऑन है, तो वकार साहब कैमरे में देखेंगे और वकार साहब पिघल जाएंगे। नहीं बेटा, अगर वकार ने पिघलना होता उसकी शादी हुई होती, वो अभी तक सिंगल बैठा हुआ है। सियाल क्या होते हैं इस्लामाबाद में, जंग है ना, तो मैं कैसे बता इस्लामाबाद से। देखा है तुम्हारा? मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा। इसको डीएचसी की लड़कियां पसंद है। हाँ मैंने देखा है तुम्हारा। अच्छा डीएचसी वाला तुमने मारा था? मैं तब भी, मैंने कहा ये डीएचए वाले की बात कर रही है। मैंने तुम्हारा थोड़ा सा ऑडिशन अच्छा, देखा। मुझे नहीं पता क्या बोला था कि मुझे डीएचए की लड़की पसंद है। और जब मैंने लड़कों को देखा वहां, मैं देखा मैंने बालाज को, बालाज मुझे लगा स्ट्रांग है भाई, बंदा स्ट्रांग था, लेकिन उल्टिया करने लगा एक डेयर के बाद उल्टिया। मैंने कहा यार तू तो बलोच लगी नहीं रहा, तू तो बलोच फैमिली से ताल्लुक रखता है, कोयटा थे वहां पे तो बड़े बड़े बदनाम घूमते हैं, तू उन मतलब उनसे ताल्लुक रख के भी तू उल्टिया कर रहा है एक डेयर के बाद। भाई बलोच होने पे मुझे लगा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे किसी पंजाबी का हाथ है। फिर मैंने जब दूसरे लड़कों को देखा तो मुझे कोई डेयरिंग नहीं लगा, और मुझे वहां पे एक पर्ची लगी बहुत बड़ी पर्ची, वो लगा यार मुझे। मैंने कहा यार ये कैसे सिलेक्ट हो गया आ गया, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं है। और बिलाल, बिलाल तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्यों सिलेक्ट है, ना उसके पास कुछ है, ना उसके पास एंटरटेनमेंट है, ना कुछ है, सिर्फ बोलता कम है, सिर्फ कैमरा आता है तो बोलता है भाई वो, और ना कुछ बात करता है किसी से, ना कुछ घूमता रहता है घर में। ये क्या एंटरटेनमेंट देगा, ये क्या फैन बनाएगा आपने, मुझे समझ नहीं आता। भाई देखिए हम तो हैं कराची वाले, हम तो हैं मिलनसार मोहब्बत वाले, लेकिन जब मैंने कंटेस्टेंट को परखना शुरू किया, क्योंकि मेरा एक रूहानियत से भी ताल्लुक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक खान की, वो नहीं होते जो कि बच्चों की पहुँच से दूर रखो इन चीज़ों को, तो वो है खान भाई, मैं बात कर रहा हूँ बालाज की। घर के अंदर जाने के बाद मुझे ये पता था कि खाना पकाना है, तो मैंने कहा भाई खाना कैसे पकाऊंगी, मुझे तो खाना पकाना आता ही नहीं है, और वहाँ पे जाके खाना पकाना था। भाई जब खाने की बारी आई तो खाने पे लोगों ने बुला लिया, बालाज के साथ मेरी अच्छी बन गई, तो बालाज ने बुला लिया आ जा इधर बैठ जा, तो सारे लड़के बैठे थे। मैंने कहा यार छोड़ दे मुझे बच्चियों के साथ तो टाइम गुजारने दे भाई, इधर भी बच्चों के साथ बैठा रहा हूँ, उधर भी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ भाई, बच्चियों के साथ तो टाइम स्पेंड करने दे थोड़ा बहुत। अब हमारे पाकिस्तान में कैसी लड़कियां पसंद की जाती है, लंबी चौड़ी गोरी, ऊपर से गोल्डन बाल, ऊपर से कलर आईज, बस भाई कंप्लीट पैकेज, काम ही खत्म। अब वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझ पर बड़े लोगों ने लाइन मारी है, डेफिनेटली मारेंगे, और ये चीज़ एक्सेप्टेंस होना अच्छी बात है। मैं खूबसूरत हूँ भाई, मुझ पर नहीं मारेंगे तो ये जो इधर मजे आए हैं उन पर तो मारेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़े मजे की लगी मुझे इस शो में, जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि भाई एक लड़के ने मुझ पर लाइन मारी, चलो वो थोड़ा बहुत काम का लग रहा था जिसने लाइन मारी, लेकिन लाइन मारने का तरीका उसका बड़ा अलग था। लोग आके बोलते हैं कॉफ़ी पे चलें, चलें बाहर मिलेंगे कभी, लेकिन उसके अलावा कुछ बोलते हैं, मेरे मोबाइल में तो आपका नंबर पहले से सेव था। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 साल के बाद जाके बोलते हैं जी आप मुझे किसी और वे में पसंद है, आप मुझे दोस्ती में पसंद है, भाई अपना टाइम भी वेस्ट ना करो, और भी टाइम वेस्ट ना करो। कुछ बोलते हैं यार ये जिसके साथ तुम हो ना ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे साथ सेट हो जाऊँ ना। लेकिन ये एक तरीका एक बंदे ने यहाँ जो किया, वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, ना मैंने ये चीज़ सुनी है। एक बंदा आगे मुझे बोल रहा है, मुझे मेरी मामा ने बोला था, मामा ने भी क्या बोला कि लड़की जो है ना उससे मना के रखना। वाओ मामा के बच्चा भी आया हुआ है यहाँ पर, छोटा सा काका जी बोल रहा है, मामा ने बोला था बना के रखना, लेकिन बेटा
तू बच्चा है मैं नहीं। मुझे समझ आ गई थी कि मामा ने बोला क्यों है। मामा का बोलने का मकसद इसलिए था कि तू तो काका है, तुझे तो पता नहीं है कि ये तो सबसे ज्यादा टफ जो है वो राबेल शेख ही है, तो तेरा लाइन मारने का तरीका हो गया गलत, फ्लॉप, सॉरी। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा सांप मुंह में रखा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी मैं ऑडिशन में, तो जाहिर सी बात है मामा ने इसलिए बोला था ना इसके साथ बना के रखना, तुमने यहाँ पर आके लाइन मार दी वो भी गलत, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, बलाज की, जिसको आप लोग समझ रहे होंगे वाह अच्छा है, टॉल है, देखना है मॉडल। ये गलत फहमी मेरे साथ भी हो चुकी है, राबेल शेख भी इस गलत फहमी का शिकार हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई मॉडल नहीं है। चलो तुम्हारे पास लुक्स हैं यार, लेकिन बोलो भी तो, एक लड़की लुक्स से सिर्फ इम्प्रेस नहीं होती। तुम चुप करके बैठे हो, देख रहे हो अगला बंदा बोलेगा क्या ठरक झाड़ है, आंखें ठंडी कर रहा है, मुंह से भी तो कुछ बोल भाई। भाई लड़कियों को मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, तब लड़कियां सेट होती हैं। ऐसे नहीं मैम मैं नहीं बोल रहा था, बस इन चीज़ों से नहीं हो सकता। और बलाज तो मुझे पहले ही पता है कि वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। भाई तुम चुप करके बैठे हो, अगर तुम किसी से बात भी कर रहे हो तो किसी काम की बात नहीं करें, आप बात करेंगे आपकी सबके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी फिर ही आप आगे जाएंगे ना। तो मेरा तो ख्याल है कि बलाज इधर ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाला, क्योंकि सिर्फ आपकी लुक्स या आप बहुत हाइट लंबे हो तो यहाँ आपसे पंखे साफ नहीं करवाने भाई, यहाँ आपसे डेयर करवाना है, आपका चेक करना है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है, आपका करेक्टर क्या है। तो बलाज मुझे नहीं लगता आप टिकने वाले, और बलाज तुमने लाइन भी गलत तरीके से मार दी, मुझे मज़ा नहीं आया, मैं तो तुम्हें नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रुको। सिद्रा के बारे में बात करते हैं कि जब सिद्रा बात कर रही थी तो वह अपना जो अंदाज गुफ्तगु है उसे इंग्लिश का बनाने चाह रही थी, मगर भाई देखें जो उनका एक्सेंट था वो पता चल रहा था कि वो इंग्लिश की बहुत ज़बरदस्त तरीके से धज्जियाँ उड़ा रही हैं। नहीं उड़ानी चाहिए ना, जब ग्रामर नहीं आती तो ग्रामर की धज्जियाँ नहीं उड़ाओ, फिर आवाम आपकी धज्जियाँ उड़ाएगी। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी वेरी, दिस इज फॉर यू, थैंक यू। एक और बॉक्स दो, अपन यहीं कहीं बैठ जाते हैं, आप तो क्या भी बैठ यार, इन क्वेश्चंस पे प्यार आ रहा है ना, बहुत अच्छा है यहां पे बैठे, बहुत मजा, एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी, मजा है, मैं तो खुश हो गई अंदर से, वो फील फैमिली वाला फील आना शुरू हो गया। हां सही कह रहे हैं, अभी जब चेंज कर गया। एक बात बताती हूँ मैं आप लड़कों को, यहाँ तमाम लड़कियाँ एग्री करेंगी कुछ के अलावा, क्या पता उनका टेस्ट अलग हो। देखें आपकी हाइट छोटी हो चलता है, आपका रंग काला हो चलता है, आप मोटे हो तब भी चलता है, लेकिन मिठास नहीं होनी चाहिए आप में। जो लड़के मीठे होते हैं ना मुझे तो शदीद जहर लगते हैं, क्योंकि मीठे से तो मुझे वैसे ही नफरत है भाई। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ, एक लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि बहुत डिसेंट, उसकी ड्रेसिंग, उसका जिस तरह से वो बैठा था, हर चीज़ मुझे बहुत डिसेंट लग रही थी, लेकिन जब उसने बोलना स्टार्ट किया भाई, इतनी मिठास तो भाई लड़कियों के लहजे में नहीं होती जितनी उसके लहजे में थी, और वो लड़का था हमार। मुझे अगर अगर मूड अच्छा हो तो ये लो भाई, खाओ खाओ सब कुछ, अपना घर है भाई, या स्नैपचैट तो कर लो, काश इनविजिबल खाने से पहले स्नैपचैट कर लो, जख्मों में नमक छिड़क काश करना, तो मैं देने आई थी तुम चले गए थे, वैसे तो मेरी इतनी बनती नहीं है लोगों से, पर जब मैं बोल हाउस में एंटर हुई तो मेरी बातचीत हुई अबीहा से और दानिया से, तो मुझे लगा कि हाँ हमारा कुछ बन सकता है, हमारी बात अच्छी हो सकती है आगे। मेरी नज़र पड़ी बोल हाउस के कुछ कंटेस्टेंट्स पे, जिनके बारे में जो मैं समझती हूँ, जब मेरी नज़र पड़ी मारिया पे तो शुरू शुरू में तो वो मुझे लगा कि वो बहुत फ्रेंडली होंगी और एक उनका नेचर होगा कि जैसे थोड़ी जॉली हैं, अबीहा चुप रहती हैं और जैसे मुझे लग रही हैं या जैसे शी डजंट टॉक दैट मच, तो मैं इतना कुछ जज नहीं कर सकती उनके बारे में। एक कैरेक्टर बिलाल है जो मुझे बहुत इंटरटेनिंग लगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। रेहान इज़ लाइक न्यूट्रल टू एवरी वन, राबेल इज़ लाइक शी इज़ हियर टू प्ले गेम प्रॉपरली, एंड रुबाइशा अच्छी हैं, दिल की साफ हैं, और दानिया जो देखती हैं वो बोलती हैं।
चले जाओ, कुछ नहीं होता, ठंडा होगा ना। सूखा खाना मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं खिलाया। सही बात है, कल से पता नहीं कैसा मिले, किसके हाथ का मिले। जाहिर सी बात है, अब कल कोई किसी ने बनाया ना बनाया। अम्मी तो है नहीं यहाँ पर। बाबा होते डिटम इकड़ो मोटो जोगरो बिलाल वरी बी डिटम तो मोटी जो की उन्हें जी मेड मुखे लगे भाई, मुखे लगे भाई भाई जुड़वा एक बेजा आया है ना, पोचे डिटो ने जी अम्मी आई है, उन्हें जी अम्मी मल वनी शरीफ में नजर अचे जे लगे भाई उन्हें का वरी का डिसेंट छोकरी ना है, पर जब उन्हें माँ वही तो उन्हें करतूत नजर आया, बाबा भाई केड़ी छोकरी देखी संभाले। वहां मौजूद था एक लड़का जो मुझे देखे जा रहा था, ऐसे टिक टिकी बांध के देख रहा था, इस तरह से ताड़ रहा था कोई मुझे कि जैसे आंखों से ही खा जाएगा या मेरा एक्सरे कर रहा है। मैंने कहा या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, मुझे बचा के रखना इस भाई साहब से, जिस तरह से मुझे देख रहे हैं तो ओहो बस मुझे बचा ले खुदाया। और वो थे बर्फानी रीच, जी हाँ बिलाल। शुक्र कर ये बलावा मिल रहा भाई। वैसे गलती से मैं खाना अच्छे बना लेती हूं, ये बात नहीं है, मुझे खाना सही से बनाना नहीं आता। मैं बहुत अच्छा बनाती हूं। मुझे रोटी और पराठे बनाना नहीं आता। ये क्या बात है, मुझे रोटी पराठे नहीं आते, पनीर खाना आता है। तुमने आपके पराठे अच्छे खा ली, सब आटा गूंथ के, वरना मैं नहीं बना सकती। वाओ नाम भी आ गया वहाँ भाई और जब हम खाना खा रहे थे मैंने अपना खाना लिया और मैं खामोश थी क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि किस किस तरह के लोग हैं। और जो लड़कियां सबसे ज़्यादा बोल रही थी, एक थी कशफ और एक थी सिद्रा, मतलब कि चुप ही नहीं हो रही थी, पटर 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 पटर, मतलब दिमाग की नसें फटने वाली हो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। वो लोग भाई पहले दिन आए हो थोड़ा चुप हो जाओ, नहीं। और सिद्रा तो पहले दिन ही अम्मी बन गई, ये करेगा वो करेगा, मतलब कि पागल ही लग रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बीमारी है इसके साथ। अबे वाशिंग नहीं है, वाशिंग नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा ये शो क्या शुरू हुआ, चैंपियंस ने अपनी कोल्ड ड्रिंक की भी ब्रांड शुरू कर दी। साईं कपास सुंडी हुंदी आ ना जेकी उआ निकती तूबा आई छोकरी डिठी मां तो मारा ही कारा अचियो या तई फसलन के खराब करन मां जाए ना का बेहतर पजा फसल है नोते होयम। वो वाली जब मैंने बाद में जब मैंने देखा कि नहीं भाई यहाँ पे मारिया भी है, वो फिर देगा अभिया भी है, फिर देगा भाई कुछ ना कुछ माल दो उनमें, उनमें तो कुछ था ही नहीं भाई साईं, दिसण वटा होयो ही ना उनमें, तूबा में छा दिसा अखियूं फाड़े दिसा, पर अखियूं फाड़े भी छा दिसा पर अखियूं बर्बाद करण वांगे हुई सही तो चवाओ। बट बाद में मैंने एक दो लड़कियों को देखा, चेकआउट किया, मैंने कहा यार चलो देखने लायक कुछ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ वकार भाई ने ये सिलेक्ट की है भाई, कुछ ना कुछ माल है। बाद में जब मैं डेयर में हारा दानिया से, किसे बच्ची थे, छोटी बच्ची थे और भरमबाजी कर रही है, मुखे जैदी मलीर वाले छोकरी उड़ा डिफेंस वाले छोकरी का भलू नहीं मार जाड़े, हल तू डिठू का दिया ने डिफेंस वाली छोकरी, तू मलीर जी छोकरी बाहर निकती आए न, तू मलीर में ये भैया मलीर हाड में बाहर निकती ना है, तोखे कड़ी खबर डिफेंस में दो दरिया छा है अल सजाद रेस्टोरेंट जी, तोखे कड़ी खबर या छोकरी अरे मुते भरम पई अड़े तो के हरायो आ सही जड़ बॉक्सिंग में हरायो थई मारे मारे विजी अड़े तो के दिनो फेवर वकार जका जे करे तू मुके किरायो मुके कुछ होयो ना हथन में बस बाबा खटे वही तो बाज हो जई मुंह में तुझे में भी चाय याद कर ली अपने ब्रांड को लिया। क्या ये दुकानों पे अवेलेबल होगा अगर हमें इसका चस्का लग गया तो? तो बैठा हुआ देखिए भाई जो पापा होते हैं बोलते हैं कि फर्स्ट आओ तो गाड़ी मिलेगी, लेकिन मिलता क्या घंटा है, बोलते हैं 1000 रुपए दूंगा, मिलते हैं 400 रुपए। तो यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है, वकार भाई ने बोला कि मैं शो का पापा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की जीतेगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जीतूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ जो नेमत मुझे मिल रही है ना वो तो 1 करोड़ रुपए से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यार हम लड़के बोल रहे हैं कि हम लड़कों को इस तरह की टी शर्ट वगैरह में नहीं आना चाहिए, लेकिन जो लड़कियाँ हैं उफ आए हाय हाय,
मजा ही आ गया। ऐसे ऐसे ड्रेसेस में और बार बार चेंज कर रही हैं। मुझे तो हैरत है कि बोल टीवी चैनल इनको ऑनियर कैसे कर पाएगा। अब देखें, एक लड़की को पता लग जाता है लड़के की निगाहों से कि वो उसको कैसे देख रहा है। तो यहाँ जितने भी मीठे बन रहे हैं या बाजिया बन रही है ना, वो भी बहुत पूरे हैं, ठीक है। देखने में ऐसे वो ताड़ते हैं ना कि वो पूरा एक्सरे कर लेते हैं बंदे का। अब लड़कियाँ जैसे मर्जी कपड़े पहने भाई, तुम तो अपनी निगाहें ठीक रखो, इनकी वजह से हम कंफर्टेबल हैं ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ानदानी हैं, एक रेहान जो लाहौर से आया है और एक ज़ीशान, ठीक है। बंदे का पता लग जाता है कि ये मर्द हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं तरीके से ना इनकी निगाह। बाकी तो सबकी वजह से मैं इतनी अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे क्या, जो और मोटी लड़कियाँ अजीब हैं उनको नहीं छोड़ रहे तो मुझे फिर कैसे छोड़ेंगे यार। यार कोई ऐसा बंदा है जो केचप ना खा रहा हो बर्गर के साथ? आमिर खा रहा है केचप साथ बर्गर के? मैं खाता हूँ यार, शौक से खाता हूँ केचप। ये भी ले, ये भी ले, फ्रेंड है अनीस, वो भी शौक से खाता है केचप। अबे केचप ना, वो केचप हो। तो भाई इतना बड़ा जकूजी, जिम, गेमिंग जोन, अच्छे बेड, अच्छा किचन, अच्छा घर, सब अच्छा, और खाना ठंडा पिज़्ज़ा। मतलब ये कहाँ का उसूल है, कितने थके हुए आ रहे हो और आपको ठंडा खाना मिल रहा है। फिर मुझे याद आया वकार भाई ने कहा था कि खाना तो भाई खुद ही बनाना है आपने। तो उस ठंडे पिज़्ज़े को देख के मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लूँ भाई। ड्रिंक लोगे? अब तुम्हें कौन ला के देगा? दो पानी नहीं है। मेरे लिए ले लो क्या? वे कैन में ड्रिंक कौन सी है? कैन में ड्रिंक कौन सी है? बताना नहीं है, पेप्सी है, बताना नहीं है। ये भैया चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ये भी लॉन्च हुआ है। स्टार्ट है यार, मुझे भी आवाज हमारी। अब इतना भी नहीं हो रहा, बैठने में यहाँ नहीं सो सकते, यहाँ पे सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं। जब खाना खा रहे हैं ना हम लोग, तो मैंने देखा कि एक लड़का सबसे अलग बैठा हुआ है, हम सोफे पे बैठा हुआ है, हम लड़कियां इधर डाइनिंग टेबल पे बैठी हैं, लड़के काउचेस पे बैठे हुए हैं, एक लड़का सबसे अलग बैठा हुआ है और वो है याया। हाँ वो थोड़ा हैंडीकैप था, तो मुझे उसको देख के थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि पता नहीं अब ऐसा ना फील कर रहा हो कि कोई चाहता नहीं मुझे साथ बिठाना या कुछ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, पास जाती हूँ, पास बैठ के खाना खाती हूँ इसके, और इसको भी थोड़ा अच्छा फील होगा। एक तो मतलब है ही ना कि लोगों को अच्छा फील करवाना है, ये तो शुरू से ही है मुझे। तो फिर मैंने सोचा जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं पास चली तो जाऊँगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि अभी कितना ठरकी है वो, ऐसा ना हो कि मैं उसके पास चली जाऊं और वो ठरक मुझ में निकाल दे खाने के बजाय। अबे जो हारने वाले ना वो नीचे लगाएंगे। भाई देखें, जब खाने की बारी है तो हम लड़कों ने अलग ही सीन बना लिया, अलग ही बैठ गया, क्योंकि हमें डर था जो लड़कियां हैं, मतलब इतना मेकअप यार स्क्रीन पर तो अच्छी आ रही होंगी, कंफर्म 100% छोड़े कि मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा हूँ जितने वो लड़की अच्छी लग रही होंगी। मतलब इतना मेकअप, मतलब आपने लोगों को मेकअप के बगैर नहीं देखा, मेकअप के बगैर आप लोग अगर देख लेते ना तो कसम खुदा की चुड़ैल, भयानक,
मासी कोई ना रखे इनको, कसम खुदा की यार। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मैंने बचपन से नौकर और ये सब चीजें बहुत देखी हुई हैं, तो इसलिए मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। वहां पे मैंने ना वो देखी, लड़कियां देखी, बड़े नखरे दिखा रही थी। अब मैं भी, अब जाहिर सी बात है, जब एक बंदी के पास अपना रूम है, सब कुछ है, वो किसी चीज की कमी नहीं है जब उसके पास। अब और लड़कियां जो अपने मुंह से बोलती हैं कि भाई हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम इतने कोई वो नहीं है, उनको अपना बेड शेयर करने में मौत आ रही थी। मतलब वो अपने मुंह से बोल रही हैं कि हम तो कभी ऊपर नहीं सोए, हम तो ज़मीन पे भी सो लेते हैं। यहाँ आके उनको सारी की सारी ना उस फरमाइश प्रोग्राम याद आ रहे थे कि हम तो यहीं ये भी करेंगे, हम तो वो भी करेंगे। कुछ लड़के तो खुश थे कि हम लड़कियों के साथ सोएंगे, लड़कियाँ हमारे बराबर में होंगी, लेकिन लड़कियाँ वो तो उनसे भी बढ़ चढ़ के भाई ओ यार लड़कियाँ हमारे साथ सोएंगे। और एक लड़की ने बोला भी कि मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर कर सकती हूँ और ये वो। मैं नाम नहीं लूँगी उसका, मैं नहीं चाहती कि उसकी इस तरह से मैं नाम लूँ और उसे घर पे मसला हो। लेकिन एक बंदी ने बोला एक बंदे को कि मैं आप अपने साथ आपका बेड शेयर कर सकती हूँ, आप आ सकते हैं। मतलब इस तरह के तो लोग हैं यहाँ के। बेटा ये सब दिया जाना भी आ रहा हूं, की वजह से बहुत आके बैठ कम है। अपने का बेड ही नहीं, मैंने बाहर एक्स्ट्रा बेड रखे हैं। किसी को बेड अगर खाना है तो तो भाई मैंने ये सोचा कि हार जीत तो अपनी जगह, लेकिन इतने दिन इतनी लड़कियों के साथ रहना है तो क्यों ना आपकी भाभी तलाश कर ली जाए। अच्छा मैंने सारी लड़कियों को चेकआउट करना शुरू कर दिया एक एक करके। सबसे पहले थी सिजरा, एटीट्यूड से भरी हुई, सिंगल मदर, सिंपैथी, वोट, सब सब उसको मिल गया। पहले दिन कह दिया गलती कर दी, ठीक है। फिर एक लड़की थी अबीहा, वो तो ख्वाबों की जिंदगी में जीने वाली भाई, फलसफों से भरी हुई। ये भाई मतलब कोई 1980 के जमाने में, कोई बाबा आलम के जमाने में कोई होगी ना वो लड़की भाई, हीरोइन टाइप, वो मजा नहीं आया भाई। अच्छा मारिया, डिसेंट, चुप, इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं भाई, जब शो छोड़ के चले जाओ, शो छोड़ के भी नहीं जाना, बात भी नहीं करनी, कोई काम भी नहीं करना। अच्छा दानिया, टॉम बॉय, यार ये कैसे कैसे लड़कियाँ आ रही है, टॉम बॉय यार मतलब। फिर एक लड़की है तूबा, तूबा का स्टाइल मुझे अच्छा लगा और बात भी वो अच्छी करती है, एडवांस है। तो भाई आपके भाई का जो दिल आ गया तूबा पे आ गया भाई, मैंने सोच लिया कि अगर कोई बाहर चांस लगा ना तो तूबा से ज़रूर कोशिश करूँगा कि शादी हो जाए। मोटे पैदा हुए आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मोटे मरेंगे ये ज़रूर आपकी गलती है। अशफ, ओ माय गॉड, इतनी इरिटेटिंग बंदी है वो, इतनी इरिटेटिंग कि वो हंसेगी ना तो पूरे बोल हाउस में आवाज़ उसकी गूंजेगी, कशफ हंस रही है। और इतनी ख़तरनाक हंसी, इतनी अजीब हंसी है उसकी कि अगर आप बहुत सीरियस भी बैठे हुए होंगे ना तो आपको ख़ुद भी हंसी आ जाएगी। कभी कभी मुझे हंसी आती है उसकी हंसी पे, लेकिन कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं अभी सो भी रही होती हूँ, मैं कभी रात के 4-4 बजे वो उठ उठ के हंस रही होती है लड़कों के साथ मिलके, उनके कमरे में जा जा के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है कि सारे परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से। यार वो खैर बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा आगे कुछ है पीछे कुछ है, हमारे जैसे मेरे सामने, मतलब मेरे मुंह पे बहुत अच्छी है, जैसे ही मेरे उठ के जाएगी मेरी फ़ौरन बुराइयाँ शुरू। ये ऐसी बंदी है, ऐसी बंदियों से बच के रहना चाहिए। तो भाई एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गया, वो है मेन बात, वो है मोहम्मद याया, मतलब हाथ उसके टेढ़े। चलो सिंपैथी वोट कर लिया, लेकिन ऐसे सिंपैथी वोट करके फायदा किया जब आपके अंदर से दिल जवान है। वो तो भाई हर लड़की पे लाइन की बरसात है भाई, मतलब यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ। तो भाई लड़कों की बात की जाए
तो उसके अंदर एक लड़का था मिस्टर बालाज। उसको ऐसा लगता था कि सारी लड़कियों के अलावा जो लड़के हैं वो भी उसे देख रहे हैं। मैं भी उसे थोड़ी देर के लिए देख रहा था, तो मुझे बोलता है कि ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कहा भाई हल्की हो जा हल्की हो जा, मैंने आपको ऐसे ही देखा। अच्छा भाई, उसे ऐसा लग रहा था कि सारे लोग उसी पे मरे हुए हैं। ठीक है, खुश फहमी तो इतनी जैसे भाई फवाद खान, और जब मुंह खोले तो बंदा ये कर ले ये कर ले ये कर ले, मतलब अजीब ही। तोबा तोबा भाई, देख के हैरान हो गया मैं उसे। एक लड़का और था, उसका नाम है जीशान, और वो भाई साहब बिलोंग करते हैं हैदराबाद के। तो भाई वो एक तो हर बात में अजीब सा अपना मुजरा टाइप डांस करना शुरू कर दिया, यूं 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 यूं, मतलब अजीब सा, और इतने ठंडे जोक्स। भाई मैंने कहा भाई माइनस सॉरी है प्लस चल रहा है 8-9 कराची में, इतनी सर्दी हो रही है फुल, और तू उसमें भी ठंडे जोक्स मार रहा है, मतलब हंसी तो आई नहीं रही ना यार उसके अंदर। मैं बिरयानी बना सकती हूं। अबे ऐसा भी नहीं हो रहा, कौन वेजिटेरियन है? क्या मतलब, क्या चिकन भी नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, भी शायद नहीं चल रहा है। किचन में खाने का सामान नहीं है, बस बर्गर खाना होने जो तो पर टास्क होगा ना, नॉमिनेट होगी हमारा कल टास्क हो जाए सुबह डेयर में यार, मुझे घर के लिए भी ले लेंगे। चल तो घर जाए तो घर छोड़ो, हो सकता है कोई लोग बार्गेनिंग करके लेके आए। ये टिक्का है, ये ट्राई करो करके, हमारी है ना, खाओ बीच बीच में खाओ। अब सो जाना, सुबह 7-8 बजे उन्होंने उठा के ले जाए। लड़कों की बात की जाए तो अभी तो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, बात का मुझे नहीं पता क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेरे साथ घुला मिला हुआ है, उसने मुझे बहन बनाया हुआ है। और एक और है जिशान हैदराबाद का, वो बहुत तफरी करता है और बहुत इंटरटेनिंग है, और लड़के मैं कहती हूँ इंटरटेनिंग ही होने चाहिए। और जो मुझे बुरा लगता है वो मुझे आमिर लगता है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है, आके फजूल में बोलता रहेगा, बहुत उसने इरीटेट किया हुआ है। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे थे तो मैंने देखा गाली पे गाली, राबेल मैडम गालियों पे गालियाँ दिए जा रही थी। मुझे तो बंदी बड़ी अजीब सी लगी, मुझे समझ ही नहीं आई वो। और अगर अच्छी देखूँ तो मुझे कश्यप बहुत अच्छी लगी, वो बंदी बहुत ऑनेस्ट है और बहुत ज़्यादा स्वीट सी है। मेरे ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं कि भाई ये तो बहुत बोल्ड है, बहुत ऐसी बोल्ड हूँ नहीं हूँ। अब हमारी जो रुबैशा मैडम आई थी उसको तो मुझसे पता नहीं क्या जेलसी है, कभी मेरे फिगर को लेके कोई बात करी है, कभी मेरे लिप्स को लेके कोई बात करी है। इंजेक्शन बहन तुम भी लगवा लो, मैंने लगवाई नहीं, अगर तुम इतने मसले तुम भी लगवा लो। वैसे भी तुम्हें तो बहुत बुढ़े पसंद है ना, तो मुझे तो लड़के पसंद है, मैं तो लड़कों के हिसाब से हूँ, आप तो है ही बुढ़ों के हिसाब से। एक बंदी बोल रही है शो पे सबके सामने, फिर भी उसको सिलेक्ट कर लिया, ये इंतहा एक बंदी ने कर दी कि भाई मुझे जहांगीर तरीन पसंद है, और साथ साथ बोल रही है मुझे वकार जका भी पसंद। चलो वकार जका पसंद है, सामने बैठा बंदा बोल देता है, लेकिन एक बंदी बोल रही है मुझे जहांगीर तरीन पसंद है, मतलब जितने भी बुढ़े बैठे हुए हैं उनको ये इनडायरेक्टली बोल रही है कि मुझे आपकी कीप बनना है, गोल्ड डिगर प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि चलो मैंने बोला कि मेरे दो हैं, ठीक है, इस चीज पे बोला जा रहा है कि जिसने बोला दो हैं, एटलीस्ट मैंने किसी की बीवी बनना है ना, तुम्हारी तरह किसी की नहीं बनना। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर उंगली उठाओ। और बड़े मजे से मुझे तो समझ नहीं आया, कभी वसीम अख्तर के बारे में बातें करी, कभी यार ऐसी लड़की को सिलेक्ट क्यों किया। मैंने अगर किसी क्रिकेटर के बारे में बात की थी तो मैंने गलत बात नहीं की थी, मैंने अपने मुल्क के लेते हुए स्टैंड लेते हुए बात की थी। और ये लड़कियां जो आपके पॉलिटिक्स सिर्फ गलत नहीं है, सिर्फ क्रिकेटर्स गलत नहीं है, लड़कियां भी गलत है। ये तो मुझे यहाँ पर आके पता लगा कि ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो खुद गलत करती हैं और बाद में रोना पिटना मचा देती हैं हमारे साथ गलत हो गया। तो गलती तो आपकी है ना, आप घर बसाने वाली लड़की नहीं है, आपको बस कोई चाहिए जो आप पे खर्चा करे, आपको सिर्फ पैसे चाहिए। चीपनेस की इंतहा कर दी इस लड़की ने और मेरे ऊपर उंगलियां उठा रही है। और कैसे कोई किसी ऐसे बंदे का नाम, मैंने उसको बोला कि आपने ये बात की है कि आपको किसी की कोई बंदा चाहिए, कोई शुगर डैडी चाहिए, क्योंकि ऊपर मैं इसको इनडायरेक्टली तो नहीं बोल सकती कि तूने किसी की बनना है। मैंने बोला कि आपको शुगर डैडी चाहिए, तो कहती है मुझे कोई ऐसा चाहिए थोड़ी एज का हो, क्योंकि मैंने शादी नहीं करनी, उसकी बीवी मरी हुई हो या उसकी बीवी हो नहीं डाइवोर्स हो, तो जहांगीर तरीन की बीवी मरी हुई है। पूरे में वैसे पारा ही रहता है यार, एक तो चाहिए गंदे। और एक लड़का है वो अपने काम खुद नहीं कर रहा, हमाद बोलता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं नीचे नहीं सो सकता, मेरी कमर दुख रही है। अभी भाई यही तो टास्क है आपका, आपको क्यों यहाँ बोल हाउस में
आप क्यों आए हैं फिर? जब आपको पता है कि आप नीचे नहीं सो सकते या आप अपना काम खुद कर नहीं कर सकते, तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हमारे सर पे आप वो करने के लिए आए कि नहीं आप अगली बंदी को बोल दें कि आप मेरे ये काम कर दें? तो हम पागल थोड़ी हैं, हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं कि हम उनके सारे काम करेंगे। सबसे पहले मैंने लड़कियों को देखना शुरू किया, कोई एक भी काम की नहीं थी, लेकिन ये मेरे लिए गुड पॉइंट था। ना उनको कोई ड्रेसिंग सेंस, ना उनको बोलना आ रहा था, ना उनका मेकअप ढंग का हुआ था, ना उनको कोई गेटअप था। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार मेरा इनके साथ कंपटीशन होगा, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ अच्छी भी लगी, इनको तो मैं आराम से फारिग कर दूँगी। हुमायूं सईद, अगर आप देख रहे हैं ना ये, तो और गौर से देख लें। और नदीम बेग साहब, अगर आप भी देख रहे हैं ना, तो आप भी थोड़े और गौर से देख लें, क्योंकि अभी तो आ जाऊँगी मैं कम रेट्स में, क्योंकि एक्टिंग तो वसी है भाई के खून में, लेकिन ऊपर की फ्लाइट बन गई ना, फिर नहीं आने वाली कम रेट्स में। मैं एक्टिंग करनी है, डांसिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, सब करना है, शादी नहीं करनी। और यहाँ पे एक लड़के हैं जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा शादी का प्रपोजल मार दिया। मतलब कि तुम ये तो देख लो आगे है कौन, और तुम सीधा सीधा शादी का बोल रहे हो। देखो अभी तो मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन एक और दफा बोला ना शादी का, तो मेरा दिमाग ऐसा फिरेगा ना कि सीधा लूंगी नाम, और फिर तो बच्चों पता है कि क्या होगा, फिर होगा मीटू। जब हम लोग बैठे हुए थे उधर, कश्यप की मामा रो रही थी, मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा था, शायद कैमरे में आया हुआ होगा, मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए थे कि यार बेचारी ऐसी लड़कियां आई हैं। एक वो अबीहा थी, पूरे कपड़े पहने हुए, शरीफ सी लड़कियां, और उनके पेरेंट्स को कितनी फिक्र हो रही होगी कि यार वो लोग यहाँ पर आई हैं, किस तरह उनके माँ बाप ने उनको छोड़ा है। लेकिन ये बुरके के अंदर जितना ढका हुआ था ना, ये बोल हाउस में उतना ही हुआ हुआ था सब कुछ। ये लड़कियाँ अंदर जाते साथ ही ऐसे लड़कों के साथ फ्री हुई, जितनी ये मासूम बन रही थी इनमें से कोई भी नहीं था भाई। हम लोग कोम में पड़े हैं, बचपन से लड़कों के साथ रहे, हमारे अंदर नहीं, ये तो ऐसे हवस के पुजारी सारी लड़कियाँ बनी हुई थी, तो लड़कों को भी मुझे छोड़ दिया ठहर पड़ने में। मैं तो हैरान हो गई थी अबीहा को देख के, और उनको इनके कपड़े भी उतरे, ठीक है पहले तो बुरका पहना होता ना कपड़ों के ऊपर, पीछे इनके कपड़े भी उतरे हुए थे ये पूरे सारे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनके माँ बाप ने इनको किस तरह भेजा है इन पे भरोसा करके। एट दी एंड बदनाम हम जैसे लोग हो जाते हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न ड्रेसिंग करते हैं, लोगों को लगता है कि ये लोग गलत हैं, लेकिन ये बुरके वाले ज़्यादा गलत हैं। तो कहते हैं नेवर जज द बुक फ्रॉम द टाइटल, इन्होंने जो जलालत की है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक थी मिस सो कॉल्ड हाइजीन, मतलब कि भाई अभी 3-4 बजे रात को घुसे हैं और बोलना शुरू कर दिया उसमें सिर्रा आपा ने, सो कॉल्ड हाइजीन ने, कि भाई अपना ये साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। तो मैं उसको देख रहा हूँ, तो वो एक बोलने लगी कि भाई मुझे क्यों देख रहे हो। मेरा दिल हुआ कि मुंह पे बोल दूँ कि मैम आपकी जो शक्ल है वो तो बिल्कुल है कीटाणु जैसी है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी शक्ल है कीटाणु जैसी, मतलब यार क्लेविज दिखा के वल्गर टॉक करके आप जो है क्या साबित करना चाह रही। और वो बोलने लगी कि जब मैं जिम जाऊंगी तो और कोई नहीं जाएगा, मुझे तुम लोगों की स्वाइपिंग से परेशानी होती है। तो मैं बोलने लगा हूँ अभी कि मैम ऐसा कौन सा जिम है जहाँ अकेले जिम करती हैं, सब लोग होते हैं जिम में, सब लोगों की फीस बढ़ती है, जब आप बाहर जिम जाते हो तो फीस आप सब लेते हैं ना एडमिशन वाले, यहाँ पे फ्री का जिम मिल रहा है, यहाँ पे अपने आपको फालतू की महारानी मतलब आई हैं आप जो है वो लियाकत बख्शते हैं, और एटीट्यूड ऐसे दिखा रही जैसे नीचे ये वो फालतू के बनम बस। एक दूसरे के ऊपर मेरी वॉशरूम में इतनी आदत है कि मैं जब घर में होती हूँ ना तो आजकल अपने वॉशरूम में ही गुजार देती हूँ, यहाँ से मैं बाहर नहीं आने के ये बोल रहा है दो बंदों में नहीं जिससे तो आ रहा है ना वो वैसे भी एडजस्ट करके घूम रही होती हूँ, मैंने तैयार होती हूँ आज भी, मैंने सिर्फ ब्रश ऑन किया, फिर नाक लाल करी, लेंस लगाई, मस्कारा लगाया, तैयार
अब मैं तैयार हो गई बाहर बाहर का मेकअप निकल गया उसमें मुझे लेंसेज डेली लगाना नहीं नहीं मैं तो ग्लासेस लगाऊंगी मैं लेंस लगाऊंगा लेकिन अभी चाहिए ग्लासेस तुम्हारे आईसेट यार ये फेजिटा लग रहा है चाहे कुछ भी हो मेरे भी आईसेट के यार ये खाना फेंकना नहीं संभाल के यार टेंशन क्या चल रहा है मुझे भी रिश्ते आ रहे पिज्जा सोया मुझे पूरा यकीन है मकान को नहीं खा रहा वो छुपा ले वैसे हम सब खाने को बोला मुझे इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू ऑल ऑफ यू सब बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लड़ेंगे भी तो इतना जाहिलों की तरह नहीं लड़ेंगे कि बार नोच नोच पे बच्चा रिग्रेट नहीं करना हाँ और मुझसे कोई पंगा नहीं लेना दोनों का गिराने के बाद किसी तरह खुद गिर जाती हूँ यार देर तो देर है देर वाली लड़ाई थोड़ी है नहीं लड़ाई है वो तो अलग चीज है यार हमें कोई सा भी दिया सारे बहन भाई बन के उस वक्त हम जितना भी लड़ने लेकिन बाद में हमें सही हो जाना ये याद नहीं क्योंकि हम लोग सारे नहीं मतलब एक दो तो भाई बन सकते हैं सारे तो नहीं बन सकते हमें पाकिस्तान जो एक तो पहले वो साइड पे कर दो बाकी भाई सही है इस चल रही है चलना चलना जो एक पसंद जो मुझे अपनी बहन बनाना चाहे कबूल मैं किसी की बहन नहीं बनती मुझे कोई ना बनाए तो एक पसंद है तो एक ही के साथ है कि दस दस जना सबको तुम सेट कर लो ही भागे करेंगे बहन मतलब जेनुइन एक महीना रह रहा है मैं तो चुप हूँ यार भाई क्या मतलब भाई बहन के फटे में पड़ो ही नहीं जोड़ी चाहिए अपने दोस्ती हो तो सही है नहीं तो हम अकेले सिंगल सिंगल जिएंगे सिंगल मरेंगे सिंगल यूनियन जिंदाबाद उसको देखो बिलाल को कह रहा है ये अभी हां अबे लेट आई इसलिए बकार दे कहीं मत भी हां कोई यार ऐसा नहीं कह रहा अभी आए बिलाल को सही से गिनाना एक महीने से बिलाल को तो मैं सही की बकार दे बन के दिखा भाई खाना खाने के बाद मच गई एक हलचल और वो जो हलचल थी उसमें जो आवाजें थी वो थी सुट्टा लग गाने की और ये सारी आवाजें जो उठ रही थी वो उठ रही थी लड़कियों की तरफ से हाँ तो भाई सिंपल सी बात है जिंदगी नहीं है इसके बगैर जब मैं आई तो फिर मैंने ये देखा मैंने कहा यार सब चीजें हैं सुट्टा काम आ रही है मैं पहले तो मैंने किया वेट मैंने कहा कोई और मारेगा फिर ही मारूंगी ऐसा ना हो गया सुट्टा तो मार लिया फिर वगैरह भी बोले जिन्होंने सुट्टा मारा है वो इस घर से जाएंगे एलिमिनेट हो गए आप ये नहीं होना चाहिए भाई पहले दिन ही एलिमिनेट हो तो फिर उसके बाद सिद्धरा ने बोला कि उसको सुट्टा पीना है उसने कहा कौन कौन चल रहा है मैंने कहा दादा नहीं जाना अभी पहले किसी और को पीने दो और फिर वो गई है सुट्टा पीने उसने पिया फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कुछ हुआ नहीं मतलब चल सी ना फिर आपके भाई ने सुट्टा लगाया वोल हाउस में सब कुछ बहुत ओके था उनका बेड उनका जो है डाइनिंग टेबल सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन वॉशरूम उनका वॉशरूम में लड़कियां जो है सुट्टे मार रही हैं मतलब वो भी कोई जगह है आप ये तो देखें कि लड़कियां कितनी परेशान हो रही हैं इस चीज़ से उसके धुएँ से आप बैठ के सुट्टे मार रही हैं यार आपको और कोई जगह नहीं मिली और अगर आपने मारने भी हैं तो आप पहले आप ये देखें कि आप बैठे हुए कहाँ हैं अब इतने अनकंफर्टेबल में वहाँ थी इतने कंटेस्टेंट नहीं थे जितने कैमरे लगाए हुए थे ये कैमरा जमीन के अंदर खुलती तो वहां से भी कैमरा निकल आता गुलदानों से कैमरा एक एक चीज एक एक स्टेप हमारा रिकॉर्ड हो रहा था अब उस पर आप थोड़ा सा होते हैं भाई किसी से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदा हर चीज को गलत कॉन्टेंट में लेके जा रहा था अब मुझे वहां पर बात पता लगी हमाद की क्योंकि हमाद थोड़ा सा जिसना उसने अपना ऑडिशन दिया था तो मैं उसके लिए थोड़ी सी वो थी कि यार बेचारा इस तरह का ये वो तो मैंने उससे डिस्कस किया मैंने कहा चलो उसकी काउंसलिंग करूं तो बाद में पता लगा वो बेचारा जो रो रहा था लड़की के लिए वो लड़की के लिए नहीं रो रहा था वो एक लड़के के लिए रो रहा था मतलब कोई उसकी लड़की छोड़ के नहीं गई थी वो लड़का छोड़ के गया था वो भी कश्यप ने बताया कि राबेल तुम इसकी बहुत बहन बन रही हो ना ये लड़की के लिए नहीं लड़के के लिए रो रहा था और उस टाइम मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार ये हो क्या रहे एक सेम जेंडर कैसे किसी को ट्रैक कर सकता है और तुम शो में आके रो रहे हो उस बंदे ने 3 दफा सुसाइड अटेम्प्ट की मेरे लिए किसी लड़के ने नहीं किया आज तक और यहाँ लड़का लड़के के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है ये चीज मुझे खैर मैं कॉम्प्लेक्स में आ गई थी
और फिर जी जब मैंने ये बात उसको पता लगा कि मुझे किसी ने बता दिया, तो वो बिस्तर के अंदर मेरे साथ ही आगे चुपक के बैठ गया। मैंने बोला भाई तू अपनी शक्ल देख, मुझे बदनाम करवाएगा कि राबेल शेख ऐसे के साथ बैठी हुई है, और जब लोगों को पता लगेगा तो बोलेंगे तुम्हें यही मिला था, तुमने यही मुंह काला करवाना था। तो मैं तो कहती हूँ मुंह भी बंदा अच्छी जगह काला करवाए, लेकिन ऐसे बंदे के साथ तो कभी भी नहीं, और ना मेरा कुछ इच्छा था। वो चुपक के मुझे सिर्फ ये बोल रहा था प्लीज लोगों को ना बताना कि मैं, प्लीज लोगों को, तो भाई तू ना बनना, लोग पूरी दुनिया देख रही है जो तू हरकतें कर रहा है, और सिर्फ मुझे तो नहीं पता ना, पूरी दुनिया को पता है तेरे कारनामे, किसी ने किसी को बताया उधर से मुझे पता लग गया, तो आप मुझे आगे क्यों बोल रहे हैं, आप अपनी हरकतें ठीक करें ना। मेरी जगह पे खुद मैडम आगे कैसे बैठी है और मेरे वो अपना टाइम पास कर रही है, उसके पास कुछ करने को है, तुम सुबह काम पे जाते होगी वो सो रही होती है, जगा के देख रही थी कि यार इज फाइन फॉर मी और नॉट, उसने सोचा कि नहीं बेटर ऑप्शन, इग्नोर इंसान तब करना, और बात है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, सिंपल ठीक है, तुम्हारे साथ मेरे साथ भी राबेल को आप ऐसे अगर देखेंगे तो उससे ज्यादा खूबसूरत और ऐसी वैसी कोई लड़की उससे अच्छी शायद कोई हो ही ना, पर जब वो मुंह खोलती है तो उसकी सारी असलियत बाहर आ जाती है, इतना बकवास बोलती है, ऐसी ऐसी गालियां देती है जो शायद लड़के भी ना दे सके। और एक बलाज है, वो इतने कोई भरम मार रहा था, इतने कोई भरम, आप पहले मुंह से अपनी बात तो निकाल लें, वो आपको बातें तो करनी नहीं आ रही, भरम आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप पता नहीं कहाँ से आए हैं, एक तो इतनी गंदी उससे स्मेल आती है, आप पहले जाके नहाए तो सही, किस बात के आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, किस बात के नखरे दिखा रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, एटीट्यूड दिखा रहे इतनी स्मेल से। भाई देखो जब सारी लड़कियों को देखा मैंने, उनकी ड्रेसिंग देखी, यार सब भाई ढीलू है, सब भाई बस ॾिसण वटा कपड़ा अहिड़ा अथनि जो माना अलाह अलाह करे वेठो, पर हिकड़ी खानदानी छोकिरी लॻी मूंखे जेकी मुंहिंजे दिलि वटां लॻी, डायरेक्ट दिलि ते वार कयईं, उहा हुई मारिया। मारिया मारिया खे ॾिसी बसि दिलि कुझु धड़के पई, ईअं लॻे थो इहा ई छोकिरी आहे जंहिंसां बसि ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। लाड़काना का एक इंतिहाई ठरकी आदमी जिसका नाम है आमिर, इतना ठरकी कि बहन बना के आप उसको हाथ लगा रहे हैं, सबको बोलता है आप मेरी बहन है, आप मेरी दोस्त है, आप मेरी बहन है, आप मेरी दोस्त है, मेरे पास आके बैठा, मुझे बोलता है तू बा तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी बहन हो, मैंने कहाँ से दोस्ती हो गई इतनी जल्दी दोस्ती हो गई, तो करीब आके बैठा मुझे बोलता है ऐसे मत बोलो तुम मेरी दोस्त नहीं, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन भी हो और ये हो, तुम तो मेरा रिश्ता लेके जाओगी, मैंने कहा तुम मुझ पर झाड़ रहे हो और तुम मुझे उल्टा बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊंगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। सब लड़कियों में मुझे सिदरा एक अच्छी लग रही है, जो बोलिए भाई हो भाई हो, उससे अच्छा दोस्ती अच्छी हो जाएगी, बॉन्ड अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। या आई स्वेयर मैं उसको भाई समझती थी, मुझे लगता था वो बहुत ज्यादा डिसेंट है, डिसेंट के नाम पे धब्बा है वो, आई स्वेयर। मुझे बोलता है कि तूबा तू ये कर तू ये कर, मतलब ये पहले तो मैं ये बोलूंगी कि तू तू क्या होता है, मैंने उसको इस बात पे जलील भी किया कि मुझे तू नहीं बोलना, कहता है मैं सिर्फ दोस्ती में बोला, मैंने कहा तुम्हारी मेरी कोई दोस्ती नहीं है, इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई, मुझे तू तड़ा करके बात नहीं करना। और फिर उसके बाद मुझे पता चली कि वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, तू तूबा ले ले, तू तूबा ले ले, ये क्या व्हाट द तूबा ले ले, तूबा ले ले। लेकिन तुमने चीजें फेस नहीं किया अब तो मेरे साथ, इससे भी बुरा होगा, लेकिन ये है कि अपने आप को मजबूत करो, जब अल्लाह ताला आपको तोड़ता है ना तो ये आप पे आपने और मजबूती से जुड़ना है, बिखर गए, तो मैंने अपने आप को और मजबूती से जोड़ा, तुम बिखर गए, अब मसला ही है, इन चीजों को अपने माइंड में रखो। यानी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा पास गुजरा, मेरे साथ क्या पता इससे बुरा हो, लेकिन ये आप तुम बातों बातों में डिस्कस कर रही हो, आपका जो माइंड सेट होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए यार, मैंने अगर प्यार किया मैंने इतना ज्यादा किया, मैंने अगले को की मार दो इतना कर जाओ कि जब आपको छोड़े मेरे चोर के पास भी जाए ना तो लेकिन जो वापस छोड़ के कोई दोबारा दूसरा चांस देने नहीं चाहिए, आदत प्यार मोहब्बत नहीं है, आपको लड़की जज्बात है ना। अब लड़कियों की असलियत कहाँ जाके खुली, जो शो पे तो बड़ी वकार को लाइनें मारी थी ना खूबसूरत बन के, ये जब गई वॉशरूम, अल्लाह माफ करे अगर वकार जका वहां पर आ जाता ना तो वो लाइन क्या, वो लाइन बना के इन सबको बाहर निकाल देता।
ऐसे ऐसे मेकअप उतारे थे और डस्टबिन फौरन भर चुके थे। ठीक है यार, अल्लाह माफ करे, इतना मेकअप, मैं मेकअप नहीं करती ऑलरेडी, शूट से बहुत मेकअप होता है, स्किन खराब हो जाती है, मैं ऑलरेडी गोरी चिट्टी हूँ, ये इधर 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 मेकअप नहीं होता, नजर आ रहा है सबको, लेकिन ये लोग तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग सुबह से लेकर रात हो जाती है, बुला रहे होते हैं लेकिन इनकी मुख नहीं रही होती, लगे हुए रगड़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मुझे हार्डली, मैं आराम से सो के उठती हूँ, मुझे पता लगता है मैंने 5 मिनट में तैयार होने, कपड़े प्रेस करने, मेकअप करने, लेकिन जो लड़कियों की हालतें होती हैं, इवन के बेचारे लड़के बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ के यार ये तो कुछ और था, ये क्या कंटेस्टेंट चेंज हो गए, अभी किसी और को बुला रही है, ये हालतें। और वो जो मोटी का शेफ है वो मुतरमा क्या करती है, वो बाथरूम जाएगी, फिर देखेगी इधर उधर कोई है तो नहीं, फिर मेकअप, वो तो रात को भी मेकअप करके सो रही है, मेकअप जितना भी कर लो बहन, अल्लाह माफ करे, रात को भी वो उठती है तो वही चुड़ैल लग रही होती है, उससे रात को भी डर लग रहा होता है। तो कुछ लोगों पे मेकअप करने के बाद भी, क्योंकि ये लोग वो हैं जो जिनके दिल गंदे हैं, ठीक है, जिनके करेक्टर गंदे हैं, औरों के करेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, तो इनकी शक्लों पे भी वही इनकी नहुसत जो है ना वो नजर आ रही होती है। बेड बालाज को मिल गया, आई लॉस्ट माय टास्क। फिर जब मैं घर के अंदर इंटर हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि यार यहाँ एक्चुअली जो है बेड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी और चीजें थी, वो तो आप बेड जीत चुके, बेड का एक टास्क जीत चुके, इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप बहुत ज्यादा कोई हाईलाइटेड हो या बहुत हाई फाई हो, वी ऑल आर इक्वल, इट वॉज जस्ट अ टास्क। सिद्रा ने मुझे बोला, आर यू अ टॉमबॉय टाइप ऑफ गर्ल? एक बात बताओ सबसे पहले कि ये एक्सेंट कौन सी लंडन मार्केट से खरीद के लाई हो, तो ये कहाँ का एक्सेंट है, कहाँ के आप बना वाना बी बन रहे हो भाई? हाँ आई एम अ टॉम बॉय बट आई एम नॉट अ वाना बी बॉय, क्योंकि जो हूँ ना डंके की चोट पर, मतलब किसी से फर्क ही नहीं पड़ता ना, किसी के बाप से डर नहीं लगता, मतलब जो हूँ हूँ, ठीक है, हूँ अपने बाप का बेटा मैं, और इस बात पर फखर है मुझे। और यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि ओहो लड़की होने पे शर्म आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, प्राउड गर्ल हूं मैं, लेकिन बस ये है कि मुझे कुछ लड़कों वाले काम करना पसंद है, ये इस तरह बैठना कंफर्टेबल लगता है, लूज कपड़े पहनना कंफर्टेबल लगता है, कुछ लड़कों को भी तो लड़की वाले काम करना पसंद है, हम कुछ कहते हैं लेकिन बुरी आदत मेरी खत्म होती है, जिनको भूल जाना चाहिए, बुरी आदत नहीं है, अगर 3000 यहाँ पे आप लोगों के साथ मौजूद है लव जोन, तो आप लोगों को मोहब्बत के बारे में जो कुछ भी जाना है, हाथ की वेन पे तूने हाथ काटे हैं, पर मैं एक बात बताऊं, पूरी जिंदगी नाम लगाना है, फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड ऑफ स्टोरी, फैमिली इज द फर्स्ट, मैं तो भाई अपने, मैं तो हर बंदे को पहले मेरी फैमिली, ये बात रुबाइशा, मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और मुझे लग रहा था कि वो मेरी उससे नहीं बनेगी, बट जब मेरी उससे बातचीत हुई तो मुझे अंदाजा हो गया कि कौन कैसा है। और एक लड़की तो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था भाई सारे सीमेंट चूना सब लगा के आ गई है। ये शादी है, आपके अब्बा का वलीमा हो, आपके भाई की शादी हो, आपकी बहन की माई हो, तब भी कोई बंदी इतना तैयार नहीं होती जितना ये बंदी रेड कारपेट पे तैयार हो गई थी। रेड कारपेट तो ये खुद ही लग रही थी, हर चीज रेड, मतलब कि आप जो पहना हुआ था वो गरारा था, शरारा था या मैक्सी थी, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से मुंह पे जो उसने, मैं बता भी नहीं सकती कितना मेकअप किया हुआ था भाई उसने, मतलब ऐसा लग रहा था किसी और ही जान से उठ के आ गई है। मीम्स बनाने वालों, आपको बहुत कॉन्टेंट मिलेगा, किससे? मिस रुबैशा से। क्यों? कपड़े चेक करें आप बाजी के, नहीं नहीं चेक करें, मैं कह रही हूँ एक दफ़ा आप चेक करेंगे उनके, सिर्फ आप कपड़े चेक करें, मेकअप तो भाई आता है बाद में, आप उनके कपड़े चेक करें। अपने अब्बा की शादी में आई हो भाई तुम, जो तुमने ये कपड़े पहने हुए। अभी मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, सबसे अच्छी बात बताइए है, मैं दो के साथ रही, ठीक है मुझे समझ नहीं आया, मैं कहती हूँ अगर आपने शादी करनी है आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करें, सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है इसका पता लगा, तो दिल पे जाके मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट चीज है आपकी क्या, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में दोस्ती ना हो ना, ना उनमें ट्रस्ट रहता है, ना उनमें रिस्पेक्ट रहती है, ना उनकी बाउंडिंग कुछ भी नहीं होती, ये जो भाई मिलते हैं प्यार मोहब्बत के लिए पहले शुरू शुरू में तमीज से रहते हैं, सही पहले बहन बोलते दोस्ती होती है ना, वो एक ओपन रिश्ता है, हर सामने उन चीजों का दौर है, ये दोस्ती बहुत जरूरी है, बात सुन के इसकी आज के दौर में दोस्ती भी ठीक है, क्योंकि तुम लोग हमेशा मेरे बेस्ट, अच्छा मेरा वाला भी जहन है। अब मैं आपको बताता हूँ एक साइंसदान के बारे में, साइंसदान ईजाद करते हैं रॉकेट गाड़ियाँ,
और हमारे पास जो साइंसदान है वो याद करती हैं गालियाँ, और उनसे लोग पहले सलाम करते हैं और उनकी बात ही गाली से होती है। मतलब दो मिनट में माँ बहन का तो एक है ही, माँ बहन तो एक है, उन्होंने कर दिया दो मिनट में, लेकिन जानवरों के साथ भी गालियाँ लगा के याद करने लगी। मतलब कि हमने उनको बोला है कि आप अपनी गालियों की बनाए डिक्शनरी और उसके अंदर गालियाँ फेंकती जाएँ, मतलब फैलाती जाएँ, और ताकि आपको सीखकर लोग और भी सीखें कि गालियाँ होती कैसे कैसी कैसी हैं। मतलब इतनी इतनी गालियाँ, और सबसे ज़्यादा लड़की है ना वो है राबेल शेख के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लड़की है वो, गालियाँ याद करने में आए हाय हाय, और बनती ऐसी है मतलब ही लुक लाइक गुड, लेकिन जब वो बोलने पर आती है ना अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, दिखने में वो मायरा खान है, मेवी शायात है, मावरा हुकैन है, लेकिन अगर मुंह जब खोलती ना तो लालू खेत की जो औरतें वो क्या गालियां बकेंगी जो ये बकरी है यार। मतलब माँ बहन सब ने सब कुछ कर दिया एक ही दिन में, इतनी गालियां। हाँ तो भाई अपना मूड ऐसा है कि ऐसे लोग पसंद हैं जो अंदर से जैसे हों वैसे ही बाहर से हों, ये नहीं अंदर से आप कुछ और हो बाहर से आप कुछ और हो, अंदर से आपको कीड़े लगे हुए बाहर से आपने पॉलिश करवाई हुई हो, अंदर से जो हो ना किसी के बाप से नहीं डरो आप, डंके की चोट पे हो जो हो। और ऐसी तो एक ही लड़की लगी मुझे और वो है राबेल। चलो यार आजा भाई, अल्लाह को मान के आपको खुद से भी प्यार होना चाहिए, आप अपने खुद की भी खुशी का ख्याल रखो, तो खुद से प्यार होता है तो फिर बंदे को कोई अच्छा लगता है तो उसके साथ जाता है ना। खुद को प्यार नहीं करते तो मोबाइल ला दो, मोबाइल चाहिए। हेलो चाय दे दो, बर्गर भी ठंडे दिए, डब्बे को तो फ्रिज में रख लो। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि बेड नहीं था, ईगो हर्ट होनी थी, और जमीन पे सोना पड़ता विदाउट तकिया, नो पिलोज, नो कम्फर्टर्स, नो ब्लैंकेट, और इतनी ठंड और उसमें भी एसी लगे हुए। अब सोफ़े जो थे वो लड़कों ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया, मुझे पता ही नहीं था, मैं खाने में बिजी थी। फॉर्चुनेटली एक लड़की आई दानिया, जो टॉम बॉय टाइप था, पता नहीं शायद उसको मैं अच्छी लगी हूँ किस वे में ये मुझे नहीं पता, उसने मुझे आके बोला मेरे साथ बेड शेयर करना है। थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन ऐसा टाइम पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बेड तो चाहिए था, तो फिर मैंने उसके साथ बेड शेयर कर लिया। लाइट्स ऑफ का ये सीन है, कंबल ओढ़ा यार, मैं जल्दी में यहां सो जाऊं, नहीं सोने क्योंकि मुझे मेरे अंदर एक सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देखो अल्लाह ताला जब तुम मुझसे एक ले, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है लेकिन ये तुम्हें सुधार देगी है ना। हां इसका मतलब सोने का वक्त आ गया। थोड़ी देर के लिए सोना नसीब हुआ, गाना भी बज रहा था, मैंने तो सुना ही नहीं, फिर मुझे सबने आके जबरदस्ती उठाया और इतनी कम नींद के बाद उठे, और लोकेशन पे उन्होंने बोला 5 मिनट है रेडी हो। मुझे तो लग रहा था कि मैं आर्मी में एयरफोर्स में आ गई हूँ, कि 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी हुए जल्दी से और लोकेशन पे पहुँच गए। और फिर वकार जका आ रहा था और मुझे ये टेंशन थी कि वो ये ना बोल दे कि किसी को पार्टनर बना लो, क्योंकि इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि किसी को पार्टनर बनाया। देखिए भाई, नींद तो आ नहीं रही थी, और वहाँ एक लड़की थी मारिया,
और मुझे ऐसा लगता है कि वो टफेस्ट कंटेस्टेंट थी क्योंकि उसकी जो नेक है वो लगाता वहाँ से ऑडियंस जहाँ बैठती है ना वहाँ लगाता, तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद कैमरे पे सीन नहीं आया लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो टफेस्ट कंटेस्टेंट है। तो अभी हम सोने ही लगे थे कि एक अचानक से आवाज़ उठी कि बोला उसका गाना हो गया प्ले और हमें कॉल आ गया कि भाई सुबह जल्दी जल्दी उठ जाओ, 5 मिनट के अंदर हो जाओ रेडी और फ़ौरन टास्क पे आ जाओ। भाई मैंने तो सर पकड़ लिया भाई, मतलब अभी हड्डियों का दर्द सही हुआ नहीं और वकार भाई ने बुलवा लिया हमें। चल भाई जिशान वॉशरूम धोएगा, कचरा झाड़ू लगाएगा, चल बर्तन आज को करेंगे साफ, जिगरा में वॉशरूम यार वो तेरे को देना है ना। फिर जब वकार भाई ने हमें डेयर की लोकेशन पे बुलाया और हमें डेयर बताया, उस डेयर को सुन के हम सबके तोते चिड़िया कबूतर सारे परिंदे उड़ गए। अच्छा क्या कर रही है यार, क्या कर रही है, एक इज नॉट डीपी, ये क्यों मार रहे हैं बच्ची बेटा, तू मिल शो के बाद